7 Laws seminar, wherein he could interact with you one-on-one and share with you his knowledge and expertise to create a difference in your lives. Without making you wait any longer, I would like to invite Mr. Nitin Soni on stage. Friends, please welcome him with a huge round of applause. Hello, Chartered Accountants. So you know you are Chartered Accountants, right? How many of you are serious students? And just now you all said, hello, sir, we are Chartered Accountants. This is the difference. This is the difference. Friends, अभी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि यार मैं सीए स्टूडेंट हूं, मैं शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं. थोड़ी देर वक्त साथ में बिताते हैं और आपको यह महसूस हो जाएगा कि यार आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम नॉट अ सीए स्टूडेंट. हाँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में शायद लिखा हुआ है कि मैं सीए स्टूडेंट हूं, मेरे आइडेंटिटी कार्ड पर शायद लिखा हुआ है कि मैं सीए स्टूडेंट हूं, बट इन रियालिटी आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. दैट्स माई प्रॉमिस टू यू, अ ट्रू एंड फेयर प्रॉमिस. एक स्टोरी शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, एक छोटी सी स्टोरी है. एक इंसान अपनी जिंदगी के कई साल नौकरी में बिताता है, कई साल, और जॉब करने के बाद इन द एज ऑफ 56 ही रियलाइजेस कि यार समथिंग इज मिसिंग, कुछ 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 मिसिंग है, कुछ कहीं कुछ लाइफ में मजा नहीं आ रहा. देन ही डिसाइड्स टू गो फॉर दिस चार्टर्ड अकाउंटेंसी डिग्री. वो कहता है यार ये डिग्री लेते हैं, शायद समथिंग इज लैकिंग इन माई लाइफ. इस डिग्री को लेने के लिए वो शुरू करते हैं अपनी जंग. 56 साल की उम्र में, माइंड यू, 56 साल की उम्र में. इसके बाद कुछ सालों बाद वो जद्दोजहद शुरू करते हैं अपनी उम्र के आधे लोगों के साथ आर्टिकलशिप में. और जब नो ही इज नॉट एमपी विजय कुमार, सो वी ऑल लव टू जंप ऑन कंक्लूजन, नॉट बी एनीवेज, बाय द एज ऑफ 60, ऑलमोस्ट बाय द एज ऑफ 60, दिस मैन बिकम्स ए चार्टर्ड अकाउंटेंट. नाउ माय क्वेश्चन टू यू ऑल इज, व्हाट इज देयर इन दिस डिग्री यार? ऐसा क्या इस डिग्री में कि एक इंसान 56 साल की उम्र में डिसाइड करता है कि मुझे 60 साल की उम्र में सीए बनना है. 60 इज अ एज जहां पर मोर देन 50%, इनफैक्ट मोर देन 80% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया डिसाइड टू गो फॉर रिटायरमेंट. ये इंसान सोचता है कि यार मुझे सीए बनना है. देयर हैज टू बी समथिंग स्पेशल विद दिस डिग्री. मुझे बता सकते हो क्या स्पेशल इस डिग्री में? बता सकते हो मुझे? रिस्पेक्ट. अभी आंसर और नहीं आया लगता है, और एग्जाम्पल्स की जरूरत है. एक सेकेंड, एक एग्जाम्पल की जरूरत और है. A lot of my friends, in fact, you must have seen them as well, among your relatives, your friends, aapke jankar, they pile up enough degrees, khub degrees hai unke paas, they are CS, they are MBAs, they are ICWAs, they are NLBs, yet they think that something is lacking in their life, something, somehow, somewhere is missing, and they go for CA degree. Yaar, kuch to hoga. यार सीएस बन चुका हूं मैं, एमबीए हूं मैं, मेरे पास लॉ की डिग्री है, मेरे पास क्या नहीं है. इसके बावजूद दे थिंक दैट समथिंग इज लैकिंग इन देयर लाइफ एंड दे गो फॉर दिस सीए डिग्री. अब मुझे बताओ ऐसा क्या है इस डिग्री में? आई गॉट वन आंसर, रेस्पेक्ट. आई एग्री टू इट. और क्या? पावर. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. पीपल लाइक रजनी गोपाल, दे आर विजुअली चैलेंज्ड, दे आर विजुअली चैलेंज्ड, दे कांट सी. We all can see, yet it's very, very difficult for us to clear exams like CA, CA Inter, CA IPCC, what you call it, and then the CA Finals. People like Rajni Gopal, they actually go ahead and become a chartered accountant. There has to be something special with a degree like this, jo logon ko motivate karta hai, isn't it? Do you agree or not? Do you all agree with that? Look at that. I mean, such an inspiring stories. और उसी फ्रेटर्निटी का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं आप सब, उसी फ्रेटर्निटी का. माइंड यू, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ डिग्री. यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ द फ्रेटर्निटी दैट्स ट्रूली इंस्पायरिंग, लिटरली इंस्पायरिंग. एंड आई कैन गिव यू न्यूमरस एग्जांपल्स ऑफ इट. इट्स ट्रूली इंस्पायरिंग. उसी फ्रेटर्निटी का हिस्सा बनाने के लिए यहां पर हम कुछ देर साथ में बिताएंगे. सम 7 लॉस, 7 है, 6 है, 8 है, 7 है. Actually, 8, yeah. So we'll spend some time together and I'll take you through each and every law of the 7 laws of clearing CA exams. And by the end of it all, you will realize ki yaar, main toh CA hi tha. Ye main realize nahi kar pa raha tha abhi tak. Aur ye aasan kitna tha yaar, isko mushkil kisne bataya? Zara, dobara agar woh insaan mil gaya jisne mujhe kaha ki yaar, CA degree badi mushkil thi,
I'm going to give a piece of my mind to him. This is what you will say. Can I ask you, are you ready for the 7 laws of clearing CA exams? Barish mein josh thoda dab sa gaya. Are you ready for the 7 laws of clearing CA exams? Yes, sir. Absolutely. That's the passion, that's the power that I want to see in each and every one of you. Wo nahi aayega? Don't expect it. Not possible. Let's go. Ready to take off? Ready to take off? All right, fantastic. Right. So, the 7 laws of clearing CA exams begins with the law of belief. The 7 laws of clearing CA exams begin with the law of belief. Now, what is this law of belief? The law of belief says, it says, by believing passionately in something that does not yet exist, you create it. By believing passionately in something that does not yet exist, you create it. Unattained is what you have not sufficiently desired. If you have not attained something, you have not sufficiently desired this thing. By believing passionately in something that does not yet exist, you create it. What is belief? Sir, by believing passionately in something that does not yet exist, what is this belief? Ye law of belief aapne bata diya, theek hai, you are giving me a quotation. What exactly is this belief? Belief is an idea or a proposition or a statement or a thought that you accept as true. Jis pe cheez ko aap maan gaye, true, yes, this is true. And by repeating the same thing over and over again, it becomes your belief. So what is belief in exactly what belief is? Kuch thoughts hai. Aapke man mein originate hui, kisne aapko kahi, ya aapne kahi dekhi. Kuch thoughts hai. Wo baar 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 aap dohrate ho, that thought becomes your belief. Ye belief rehta kahe. Now to understand this fact ki ye belief rehta kahe, you will have to understand a concept between conscious and subconscious mind. Conscious and subconscious. I repeat, conscious and subconscious. The mind with which you all are attentively listening to me is your conscious mind. It's not your subconscious mind. However, ye sari ki sari meri baatein, if you accept them as true, ye aapke subconscious mein jayenge. Ye sari ki sari baatein, when you accept them as true, ye aapke subconscious mein jayenge. So you need to understand the difference between conscious and subconscious mind. Conscious mind is the mind with which you actively think. जिसको आप सोचते हैं सुनते हैं एक्टिवली विद ऑल योर अटेंशन, दैट्स योर कॉन्शियस माइंड, जिसे आप अभी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं. कॉन्शियसली यू टुक दिस डिसीजन ऑफ अटेंडिंग दिस सेमिनार, यू आर हियर, एंड दिस इज द रीजन, दिस इज बिकॉज ऑफ योर कॉन्शियस माइंड. नाउ जो कुछ भी आप किसी चीजों को एक्सेप्ट करते जाते हैं, यू एक्सेप्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट जस्ट राइट अप, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड द सेम थिंग्स. जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप बार 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 कॉन्शियसली चीजों को एक्सेप्ट करते जाते हैं, दे गेट स्टोर्ड वेयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड. इट्स नॉट द एक्टिव माइंड, इट्स द सबकॉन्शियस माइंड. दिस इज द स्टोर हाउस ऑफ ऑल व्हाट यू हैव हर्ड सो फार इन योर लाइफ एंड बिलीव्ड एक्सेप्टेड एज ट्रू. जो कुछ भी आपने अब तक एक्सेप्टेड एज ट्रू, इट्स स्टोर्ड इन योर सबकॉन्शियस. इट्स द स्टोर हाउस ऑफ ऑल योर इमोशंस, ऑफ ऑल द फैक्ट्स. ये वो स्टोर हाउस है. And friends, इस concept को अगर आप पकड़ गए, what is this subconscious? इसके difference को अगर आप पकड़ गए, nothing will be difficult for you. CA बनना तो, I mean, it will be a बच्चों का खेल for you. Truly, believe me. Now what happens is, हम सुनते हैं कि यार ये CA बनना तो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. लोग कहते हैं CA बनना बहुत मुश्किल है. Now मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से आपका subconscious mind इस चीज को receive करता है, storehouse बनाता है. And then it creates your reality. Now, what is the job of the subconscious mind? Kyun samajh rahe hain this difference between conscious and subconscious? The reason why we are understanding the difference between conscious and subconscious is ki yaar ye jo meri reality hai, ye kaise banti hai? Ye reality banti hai aapke subconscious mind se. Jo kuch bhi aapke subconscious mind mein chal raha hai, your subconscious mind has the job of converting it into reality. Wo jo kuch bhi uske andar store ho jayega, जो भी थॉट्स रिपीट होंगी, बिलीफ बनेगा. बिलीफ सबकॉन्शियस में स्टोर होगा. जैसे ही वो सबकॉन्शियस में स्टोर होगा, द सबकॉन्शियस विल स्टार्ट मेकिंग इट इनटू रियलिटी. इट विल मैनिफेस्ट दिस थिंग इनटू रियलिटी. नाउ यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस ऑफ द फैक्ट मेरे सबकॉन्शियस में क्या है. सो इफ यू हैव फेल्ड 5 टाइम्स इन CA फाइनल और इन CA IPCC, दिस इज व्हाट्स देयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड. नहीं सर, क्या बातें कर रहे हो, मैं तो सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मैं पास हो जाऊं. दैट्स इन योर कॉन्शियस माइंड फ्रेंड्स, दैट्स इन योर कॉन्शियस माइंड, इट्स नॉट इन योर सबकॉन्शियस माइंड. अच्छा सर, ये तो बताओ ये सबकॉन्शियस माइंड बनता कैसे है? आप समझते हैं सबकॉन्शियस माइंड हाउ एग्जैक्टली टेक्स फॉर्म, ये स्टोर हाउस बना कैसे, इसमें चीजें जाती कैसे है? देर आर 3 वेज इन विच योर सबकॉन्शियस माइंड टेक्स फॉर्म. 3 वेज. पहली,
the environment in which you live. Others' suggestion, जो बाहर के लोग आपको suggestion देते हैं, that is the number one way in which the thoughts go from your conscious to your subconscious mind. अब आपको एक process बताता हूँ, देखना क्या होता है, पूरा का पूरा process क्या होता है. Now what happens is, एक बच्चा fresh, dynamic and he is hungry to become a chartered accountant. 12th के exam clear करता है. For example, वो अपनी graduation भी clear करता है. And he is a good scholar. He is very good in academics. वो जैसे ही सीएम एडमिशन लेता है, एडमिशन लेकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के शाम को लंच कर रहे हैं, शाम को डिनर कर रहे हैं, कुछ रिलेटिव्स घर में आते हैं. रिलेटिव्स क्या कहते हैं, अच्छा बेटा क्या कर रहे हो? सीए कर रहा हूं. सीए कर रहा है बेटा, क्यों करियर बर्बाद कर रहा है बेटा? क्या अपने भविष्य से प्यार नहीं है? मेरी बुआ का बेटा 21 साल की उम्र में सीए बनना के लिए उसने शुरू किया था, एंड ही इज ऑफ एज 35. थोड़े थोड़े बाल भी उड़ चुके हैं, बट अभी तक वो सीए नहीं बना है. This was the first thought pattern जो उस fresh बच्चे के mind में जाता है about CA. Now listen to this very carefully. देखना आपको समझ में आएगा कि ये पूरा का पूरा process क्या है और उसके साथ ही आपके साथ क्या हुआ है. ये आपको एकदम समझ में आएगा. बच्चा कहता है चल यार कोई बात नहीं, उसको छोड़ देते हैं. बच्चा library में जाता है, fresh, dynamic and hungry to become a chartered accountant. लेकिन एक छोटी सी चोट का क्या हुआ है? वो जैसी library में जाकर तीन चार बच्चे यहां बैठे हुए, तीन चार बच्चे यहां बैठे हुए, वो बेचारा बीच में बैठा हुआ है. वो पूछते हैं अबे नया आया है? हाँ यार नया. क्या कर रहा है? मैं सीए कर रहा हूं. सीए कर रहा है वो, देख पिछले 8 अटेम्प्ट से सीए कर रहा है. उसको देख पिछले 6 अटेम्प्ट से सीए कर रहा है. उसको देख उसके तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट मुझे याद नहीं है. लुक एट दैट. वो बच्चा क्या सोचेगा, अरे यार ये मैं कहां फंसता जा रहा हूं यार. वो वापस घर जाएगा, पापा पापा ये मतलब ठीक है सीए आपका ड्रीम तो है कि मैं सीए बनूं, बट डू यू रियली वांट मी टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट? नाउ द क्वेश्चन मार्क आई विल बिकम अ सीए, विल आई बिकम अ सीए? क्वेश्चन मार्क. Very important. It's a huge, huge difference. Others' suggestions. आपको बाहर के लोग बोल क्या रहे हैं, that is very important. और उससे भी ज्यादा important यह है कि are you accepting those facts or not? उसको आप accept कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? The moment you accept it, it goes from your conscious mind to your subconscious mind and it takes root, start converting into reality. ये तो होता है. This is the number one way. कौन कहता है? Your relatives. कौन कहते हैं? Your friends. So called friends. Real friends तो नहीं बोलेंगे. So called friends. आपको बोलेंगे क्या कर रहा है यार, आपके रिलेटिव्स बोलेंगे अबे क्या कर रहा है. नाउ दिस इज द नंबर वन वे इन विच योर सबकॉन्शियस माइंड, यू नो इट इट गेट्स ऑल द नेगेटिव थॉट्स अबाउट बीइंग अ सीए गेट्स स्टोर्ड इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड. सबसे पहला वे. दूसरा, आपकी खुद की एक्सेप्टेंस. खुद की एक्सेप्टेंस. हाँ यार जब मैं अकेले आप बैठते हैं, अकेले बैठ करके वो स्टूडेंट क्या सोचेगा, आप क्या सोचेंगे? हाँ यार बहुत तो सही रहा था यार, उस भैया के बाल तो वाकई उड़ चुके हैं. ये सोचोगे ना, वो जो भैया की बात कर रहे थे उसके बाल तो यार वाकई उड़ चुके हैं. कहीं ना कहीं उनको यह महसूस होगा, कहीं ना कहीं वो इसको एक्सेप्ट करेगा. नाउ द मोमेंट ही एक्सेप्ट दैट सजेशन एंड ही अफर्म इट, वो उसको दोबारा बोलता है अपने आप से या सामने वाले से. अब उसके बाद प्रॉब्लम क्या होती है, तो वो अपने आप से बोलेगा. उसके बाद वही पर्सन द सेम मैन जब वो लाइब्रेरी में दूसरे दिन जाएगा, एक दूसरा फ्रेश बच्चा वो देखेगा, उसको भी वो सेम बोलेगा अबे क्या कर रहा है तुझे पता है? वो तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट याद नहीं है, उसके 6 है और इसके 5 है. वो इसको अफर्म करता है, वो इसको रिपीट करता है. बिगेस्ट मिस्टेक. दूसरे तरीके से the same thoughts, negative thoughts, और ज्यादा जड़े पकड़ लेते हैं. And mind you, the subconscious is catching all of it. Third, very important, your environmental images. आपके environment में images क्या चल रही हैं? मैं जब कभी Facebook पे लॉगिन होता हूं तो कई बार मुझे बड़ा हंसने पर मैं मौजूद मजबूर हो जाता हूं. वहां पर एक इमेज होती है, कई बार लॉट ऑफ पीपल शेयर दिस इमेज. वहां पर एक बहुत बड़ी चट्टान है, उसके आगे एक बच्चा खड़ा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है सीए, और वो हाथ जोड़ के कह रहा है माफ कर दे बाबा. देखा आप लोगों ने? अनदर वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर. एक स्टूडेंट आलती बालती मार के बैठा हुआ है और 1, 2, 3 किताबें तो नहीं है, वो ऐसे और वहां तक इतनी सारी किताबें हैं, यूं इतनी सारी, और उसके ऊपर लिखा हुआ बड़ा बड़ा सीए स्टूडेंट. Is that the reality? I mean, it's okay to laugh on this, but isn't that the reality? और कहीं ना कहीं, believe me, कहीं ना कहीं जब वो images 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार आप देख लोगे, वो आपके subconscious में hit कर जाएगी. वो कहीं ना कहीं आपके subconscious में hit कर जाएगी. Subconscious doesn't understand कि यार ये मजाक चल रहा है या seriously काम चल रहा है. वो तो images पे जाता है कि यार images mind में क्या चल रही है. अगर images बार बार एक ही images जा रही है, they are getting stored in your subconscious. Subconscious will start making it into reality. Three ways. Number one, others' suggestion. Number two, आपकी खुद की affirmations. आप खुद क्या accept कर रहे हैं. And number three, environmental images. ये तीन तरीके हैं जिनसे आपका subconscious it takes form. There is no other way.
और बड़ी ही दुख की बात है कि फॉर सी ए स्टूडेंट ऑल ऑफ दीज आर नेगेटिव. बीच वाले में तो आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, व्हेन यू अफर्म इट यू आर योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. और बाकी चीजों के लिए योर अदर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड योर सो कॉल्ड एनवायरमेंट इज रिस्पॉन्सिबल. ये तीनों की तीनों चीजें अपना काम करती हैं और नेगेटिव थॉट्स अबाउट बीइंग ए सीए स्टोर होती हैं आपके सबकॉन्शियस के अंदर एंड देन इट बिकम्स योर रियलिटी. और जब आप तीसरी बार फेल होते हो आपके तो यार मैं फेल क्यों होता हूं मुझे यह समझ नहीं आता. यू कुड बी थिंकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव इन योर सबकॉन्शियस, इन योर कॉन्शियस माइंड अबाउट बिकमिंग ए सीए, बट इफ समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन इन द सबकॉन्शियस द रियलिटी द रिजल्ट्स विल बी एंटायरली डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट. कुछ नहीं कर पाओगे आप. Friends, you need to understand that your life is simply a mirror. It's like a mirror. जो कुछ भी बाहर देख रहे हो, this is because of what is happening inside. और वो जो inside है, it's the collection of thought patterns in the past period. उसमें क्या मैंने store किया है? वो सब कुछ मिला जुला रूप है आपके subconscious में जो इस समय चल रहा है. यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? सर ये तो समझ में आ गया. एक ये बताओ, यहां ये लिखा हुआ था शायद कि व्हाट स्पेशल विद बिग फोर आर्टिकल्स. आप में से बिग फोर में से कौन कौन है? बिग फोर में से सिर्फ दो तीन जने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. राइट, परफेक्ट. नाउ भाई क्या स्पेशल है तुम लोगों में यार? व्हाट सो स्पेशल इन बोथ ऑफ यू? कुछ स्पेशल है? आई मीन आई हैड टू पॉइंट आउट ऑन बिग फोर आर्टिकल्स बिकॉज रियली रियली आई एम येट टू सी, हो सकता है हो, आई एम येट टू सी अ बिग फोर आर्टिकल जो कि सीए नहीं बन पाया हो यार. वो सीए फाइनल में फेल हो करके बुरी तरह बर्बाद हो गया हो, लेकिन वो सीए नहीं बन पाया हो. आई एम येट टू सी एन आर्टिकल फ्रॉम अ बिग फोर सीए फॉर्म. आई एम येट टू सी. लेकिन अगर आप किसी और फॉर्म की बात करते हैं, किसी भी मीडियोकर फॉर्म की बात करते हैं, या आई डोंट नो वेदर शुड आई से इट ऑर नॉट, डमी आर्टिकल्स, अगर आप उनकी बात करते हैं, समहाउ यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ देम दे डोंट बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है. और बिग फोर वाले एक बार लटकेंगे, दो बार एट द मैक्स, तो वो सीए बन जाते हैं. इसी तो लोग बिग फोर में जाना चाहते हैं. अब प्रॉब्लम ये है कि यार वो रिजल्ट तो देख रहे हैं, वो ये तो समझ रहे हैं कि अच्छा यार ये रिजल्ट इमेजेस जो फाइनली दिख रही है वो तो समझ में आ रहा है कि यार बिग फोर वाला सीए बनता है इसलिए मुझे बिग फोर में जाना चाहिए. यू डोंट रियली गो फॉर द कॉज ऑफ इट कि यार ये रीजन क्या है कि ये बिग फोर वाला ही सीए क्यों बन जाता है. द रीजन इज वेरी प्लेन एंड सिंपल एंड इट मैचेस विद व्हाट आई हैव टोल्ड यू अबाउट कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड. जब एक बिग फोर का आर्टिकल सीए फॉर्म में जाता है ना, बिग फोर में, वो जाकर के ये देखता है कि यार जो मेरे से पहले वाला जो स्टूडेंट था, तीन महीने की छुट्टी में सीए बना था. और यहां जितने भी ये बैठे हुए हैं ना, वो अटेम्प्ट दर अटेम्प्ट सीए बनते जाते हैं. बहुत ही कम वो ऐसा देखेगा कि यार ये जो बंदा है लटके ही जा रहा है, लटके ही जा रहा है, लटके ही जा रहा है, उसको अल्टीमेटली ऑफिस से बाहर निकाल दिया, सीए फाइनल में रह गया. तभी ऐसा नहीं होता. उनके बॉसेस क्या कहते हैं? तीन महीने की छुट्टी मुझे मिली थी, तीन महीने की छुट्टी तुझे मिलेगी, सीए बनना है तो बन, नहीं बनना है तो मत बन, तीन महीने की छुट्टी मिलेगी. नाउ दे क्लियर इन थ्री मंथ स्टडी. और दूसरे, वन ईयर स्टडी इज इनसफिशियंट. क्यों? क्योंकि उनको क्या दिखता है? लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में क्या होता है? व्हाट इज द पास परसेंटेज इन सीए फाइनल? होता क्या है? 10%, 15%, 20%, 80% तो फेल होंगे ना. जब वो बैठे होते हैं, घिरे होते हैं सीए फाइनल के स्टूडेंट से. सपोज आई एम ए सीए स्टूडेंट, मेरा अटेम्प्ट दो साल बाद है, मैंने पढ़ना अभी से शुरू कर दिया, मैं लाइब्रेरी जाना शुरू कर दिया, एक साल की छुट्टी भी ले ली, मैं पढ़ रहा हूं आराम से लाइब्रेरी में जाकर के. और वहां पर होता है कि अगले अटेम्प्ट में, क्योंकि रिजल्ट तो कम है, 80% तो फेल होंगे, 80% बच्चे वापस आकर के बैठ जाते हैं. अब मेरे को एनवायरमेंटल इमेजेस क्या मिल रहे हैं यार? कितने भयंकर मुश्किल कोर्स है यार. यू आर प्री ऑक्यूपाइड विद योर थॉट कि नहीं यार वो तो किताब खोल के. अरे किताब खोल के की बात नहीं होती है, उससे फर्क नहीं पड़ता है. This is the problem. The reason why big four articles seldom fail is because of their environment. The environment is conducive to them becoming a CA. और जो बाकी environment है वो उतना conducive नहीं होता. वो देखते हैं कि यार ये तो बंदा बार बार फेल होके इसी लाइब्रेरी में आ जाता है, इसका मतलब CA बहुत टफ है. यार उसको देखो, अपने बॉस से वैसे ही नफरत करते हैं वो. बिग फोर में चलो दो चार स्मार्ट बंदे तो नजर आते हैं, वहां पर उनको वैसे ही समझ में नहीं आता कि यार मैं यहाँ आ क्यों रहा हूँ ये आर्टिकलशिप करने के लिए. और डमी आर्टिकलशिप को तो सारे के सारे कोई एनवायरमेंट ही नहीं मिलता कहीं भी, कुछ भी पॉजिटिव एनवायरमेंट नहीं मिलता कि जहां पर वो कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपने माइंड को दे सके. नाउ दिस इज द मेन रीजन व्हाई बिग फोर आर्टिकल सेल्डम फेल. नाउ यू कुड से सर ठीक है, ये तो हमें क्लियर हो गया कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का डिफरेंस क्या है और लोग बंदे फेल क्यों होते हैं और दूसरा बिग फोर आर्टिकल्स पास क्यों होते हैं. सर हम यहां ये जानने आए हैं कि हम पास कैसे हों, आप ये बताओ. ठीक है, वो हमें समझ में आ गया. दोस्तों अगर वो समझ में आ गया तो पास करना आसान नहीं है. जिस चैनल से हम आए थे नेगेटिविटी को लेकर के अपने सबकॉन्शियस में, उसी चैनल से वापस चलेंगे और उसी चैनल से अपने सबकॉन्शियस के अंदर हम पॉजिटिव चीजों को भरेंगे. कौन सी चीजें थी? तीन. नंबर वन आपके अदर्स सजेशन, नंबर टू खुद की एफर्मेशंस, और नंबर तीन आपकी एनवायरमेंटल इमेजेस. ये तीन थी ना. पहले को पकड़ लेते हैं. पहला कौन सा था? अदर्स सजेशंस. आज से अगर कोई भी बंदा आपको यह कह दे कि सीए फाइनल मुश्किल है, तो उसको यह बोलना कि मेरे कई ऐसे दोस्त हैं या मेरे जानने वाले कई ऐसे हैं जो निहायत ही नालायक हैं लेकिन वो सीए बन चुके हैं. एंड लिटरली दिस इज द केस. आपको नहीं मिले तो मुझसे पूछना, मैं ऐसे दिखा दूंगा लोग आपको. नंबर टू,
वो कहते हैं कि यार तू सीए में क्यों जा रहा है, सीए का रिजल्ट 1% 2% बुरी तरह फेल होगा, धज्जियां उड़ जाएगी, करियर कुछ बचेगा नहीं। उसको आराम से तसल्ली से ये दिखाना कि पिछले 5-6 अटेम्प्ट के अंदर 10-15-20% रिजल्ट गया है। दिस इज अ रियलिटी, दिस इज अ फैक्ट। सो योर जॉब इज टू डिनाई देयर सजेशन इमीडिएटली। द मोमेंट यू कम अक्रॉस सच अ नेगेटिव सजेशन उसको इमीडिएटली डिनाई कर दो, बिकॉज इफ यू डोंट एक्सेप्ट इट, इट डजंट बिकम योर बिलीफ। व्हाट इज बिलीफ? द आइडिया और अ प्रोपोजिशन एक्सेप्टेड एज ट्रू। जब आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, इफ यू डोंट एक्सेप्ट इट एज ट्रू, प्रॉब्लम ही नहीं है। पहली चीज तो वहीं खत्म हो गई, पहली चीज वहीं खत्म हो गई। इसके साथ ही एक बहुत बढ़िया सजेशन दूंगा आपको, अगर अच्छे दोस्त सच्चे दोस्त आसपास में है ना, तो उनको यह बोलना कि यार आज से, इवन इफ आई एम ए सीए स्टूडेंट, आज से मुझे सीए साहब बुलाना शुरू कर दे, चाहे अकेले में ही सही। बिकॉज वेन यू हियर इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगेन एंड अगेन मल्टीपल टाइम्स, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में तब्दील हो जाएगा। उसको बोलो कि यार मुझे तो सीए बोला कर, अगर तू मेरा सच्चा दोस्त है मुझे सीए बोल, आगे से मुझे यह मत बोलना कि मेरे लिए सीए करना बहुत मुश्किल है। डोंट से, डोंट अटर, डोंट यू डेयर अटर अ नेगेटिव वर्ड अबाउट सीए और मी बिकमिंग अ सीए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा चैनल क्या था जिससे आपकी इमेजेस गई थी सबकॉन्शियस में? ओन सजेशंस, एब्सोल्युटली ओन सजेशंस। अब अगर आप मान लीजिए खुद ही ये बोलने पर चालू है कि यार उतारू है कि यार मैं सीए करना बड़ा मुश्किल है, आप दूसरों को बोल रहे हैं सीए करना बड़ा मुश्किल है, तो हाउ विल इट हैपन, क्या होगा? वही तो होगा, सीए करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सो यू विल हैव टू मेक इट अ पॉइंट कि जो कुछ भी अफर्मेशंस आप बोल रहे हैं, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, इट हैज टू बी अगेंस्ट सीए कंड्यूसिव, इट हैज टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। उसके अगेन दो तीन तरीके हैं। मैं क्या करता था, अपने एक्सपीरियंसेस बता देता हूं। मैं क्या करता था, मैंने क्या किया था, जो भी मेरे रजिस्टर्स, नोटबुक्स, बुक्स, जो कुछ भी थे, मैं उसके ऊपर नाम लिखता था नितिन सोनी, उसका लिखता था सीए, बराबर लिखता था सीए, उसको अंडरलाइन करता था, एंड आई यूज टू फील गुड अबाउट इट। इसे कहते हैं भविष्य आज ही देखने की कला। आई एम नॉट बूस्टिंग ऑफ इट, बट इट्स अ फैक्ट। जब आप ये लिखते हैं सीए योर नेम, समथिंग समहाउ समवेयर डिफरेंट happens within you, कि यार अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्स, अच्छा लग रहा है यार। मैं क्या करता था, अपने मोबाइल का जो मेरा वॉलपेपर था उसमें मैंने लिख दिया था नितिन सोनी, और उसके नीचे बड़ा बड़ा मैंने शब्द लिख दिए थे चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़ा बड़ा वर्ड लिख दिया था। आई वॉज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एट द टाइम। मेरे मोबाइल का वॉलपेपर कहता था मेरा नाम एंड देन द वर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़ा बड़ा। आई यूज टू सी इट, आई यूज टू फील इट। लिटरली सीए बनने से पहले मैं ये महसूस करने लग गया था कि यार मैं तो सीए बन चुका हूं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि जब मेरे को दुनिया कहेगी हाँ यार तू सीए है, जब वो डिग्री देख लेंगे। बट यू नीड टू कन्विंस योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आप अपने आप को कन्विंस कर गए, गेम जीत गए। वेरी इंपॉर्टेंट, जहां आप पढ़ते हैं उस टेबल के ऊपर, अगर इफ इट्स अ कांच का शीशा, देन यू कैन उसके नीचे आप वो कर सकते हैं, एक पेपर पे लिख सकते हैं योर नेम एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके नीचे लगा दीजिए। जहां आप पढ़ते हैं एक दीवार पे लगा दीजिए। एक बार एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर अगर मैं ऐसा करता हूं और दूसरे पढ़ते हैं तो हंसेंगे। ऐसा मेरे को एक मैसेज आया कि सर अगर मैं ऐसा करता हूं और दूसरे पढ़ते हैं तो वो हंसेंगे। एंड आई रिप्लाइड कि उस हंसी को ही तुम्हें अपनी ताकत बनाना है। वो जो हंसेंगे ना, उसी को तुम्हें अपनी ताकत बनाना है। अगर तुम उस हंसी को अपनी ताकत बनाना सीख गए ना, तो कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं ना, तो मैं तो कहता हूं ये तो बहुत ही शानदार तरीका है, ये बहुत शानदार तरीका है। दे अराउज योर सेंटीमेंट्स। जब कोई हंसता है आपके ऊपर, दे अराउज योर सेंटीमेंट्स, उसको स्टोर कर लो। ठीक है बेटा, आज तू हंस रहा है, कल मैं हंसूंगा, और कल तू खुद कहेगा कि यार मैं गलत था और तू सही था। उसको रोकने की जरूरत नहीं है। डिक्लेयर इट देन एंड देयर कि यस आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसी समय डिक्लेयर कर दो आप उस चीज को। डिक्लेयर इट टू योर सेल्फ, डिक्लेयर इट टू द वर्ल्ड कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। उसको लिख दो, खत्म हो गई बात। दैट्स इट, वेरी इंपॉर्टेंट, योर ओन अफर्मेशंस। नाउ अनदर थिंग इज दैट आई यूज्ड टू डू, मैंने क्या किया, कुछ इमेजेस काटिंग, अच्छी अच्छी इमेजेस जो कि पॉजिटिव वाइब्स देती थी मुझे। ये जो अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट का जर्नल आता है, कितने लोग पढ़ते हैं, मैं तो कभी नहीं पढ़ता था उसको। तो उसमें से जो इमेजेस थी बढ़िया बढ़िया, उसको मैंने काटा और एक बोर्ड लिया मैंने, और उस बोर्ड के ऊपर मैंने उन इमेजेस को चिपकाना शुरू कर दिया। और जब उस बोर्ड पर मैंने वो इमेजेस चिपकाई जहां मैं पढ़ता था, वहां मैंने उसको लगा दिया। और सुबह शाम जाते आते, बहुत कॉन्शियसली नहीं, लेकिन जाते आते मेरी उस पर नजर पड़ती थी। जब उस पर नजर पड़ती थी तो मुझे लगता था यार, और हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने उसके बीच में अपनी फोटो लगा दी और अगेन उसके नीचे वही नाम लिख दिया। व्हाट डज दिस सिंबलाइज? इट मीन्स कि आई बिलोंग टू दिस फ्रेटर्निटी, जो सीए की फ्रेटर्निटी है, जो सूट बूट में लोग खड़े हैं, कुछ अपने ऑफिसेज में खड़े हैं, कुछ स्टेशनरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैंने उसमें लगा दिए, अपनी फोटो लगा दी, नीचे नाम लगा दिया। सो दिस वॉज अ वे इन विच आई यूज टू गिव सजेशन टू माई सबकॉन्शियस माइंड कि यार देख मुझे ये पाना है। कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस,
So this is what you can actually follow in your life. These are the practical suggestions. जिससे कि आप अपनी affirmations जो देंगे वो positive होगी और वो आप जीत जाएंगे. Negative affirmations होंगी ही नहीं. And don't you dare utter a negative word about being a chartered accountant. जहां ये किया वो defeat हो जाएगा. Mind क्या कहेगा? भाई चाहता क्या है? Negative चाहता है, positive चाहता है. एक चीज पर तो रहना. Getting my point? Very important. Now the third thing, environmental images. Environmental images की प्रॉब्लम ये है कि यू कांट डू मच अबाउट द environmental images. अब environmental images में क्या? आप लाइब्रेरी में गए, बंदे 80% फेल होकर के आ गए, उनको थोड़ी कहोगे लाइब्रेरी से बाहर निकल जा. नॉट पॉसिबल. नाउ देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन, वेरी ब्यूटीफुल फाइंडिंग दैट यू कैन एक्चुअली यूज अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए. व्हाट इज दैट? योर सबकॉन्शियस माइंड डजंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज इमेजिनरी. आई रिपीट, योर सबकॉन्शियस माइंड डजंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज इमेजिनरी. कि क्या रियल है, क्या इमेजिनरी है. अगर आप आंख बंद करके लिटरली ये महसूस करो कि आज ही मेरा रिजल्ट आया है और मैं सीए बन गया, एंड आई एम गिविंग दिस स्टेटस अपडेट ऑन फेसबुक कि यार मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, यू विल एक्चुअली फील समथिंग हैपनिंग इन योर नर्व्स. आपको कहीं ना कहीं महसूस होगा. इट्स नॉट रियलिटी, बट योर बॉडी, योर माइंड रिएक्ट टू इट एज इफ इट्स अ रियलिटी. योर सबकॉन्शियस माइंड डजंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज इमेजिनरी. और इसी कॉन्सेप्ट को आपको यूज करके आगे बढ़ना है. आपको क्या करना है? आपको अपनी आंखें बंद करनी है और आपको लिटरली वो पिक्चर्स देखनी है जो आप वाकई चाहते हो आपकी जिंदगी में तब्दील हो जाए. वही पिक्चर्स. वन एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी गिवन, फेसबुक का स्टेटस अपडेट. लिटरली ये देखो कि मैं फेसबुक पे स्टेटस अपडेट दे रहा हूं, वही लत है आजकल की. फेसबुक पर स्टेटस अपडेट दे रहा हूं कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड सी द नंबर ऑफ लाइक्स, सी द नंबर ऑफ पीपल हु आर कमेंटिंग ऑन इट. सी इट, एक्चुअली सी इट. इफ यू कैन सी इट, यू कैन गेट इट. This is very important that you actually visualize, because your subconscious mind doesn't understand the difference between what is real and what is imaginary. Real ke saath chhedchhad nahi kar sakte, imaginary ke saath kar sakte ho. Imaginary ke saath agar theek thaak chhedchhad kar gaye to wo pa jaoge jo paana chahte ho. Bilkul bhi mushkil nahi rahega. Got it? Now, this was the difference between conscious and subconscious mind and how you can actually program your subconscious mind to achieve success in your life. Kis tarike se aap apni zindagi ke andar wo cheez attract kar sakte ho jo aap actually apni zindagi mein attract karna chahte ho. Sir, ek baat batao, in sab ki zarurat kya hai? Aap keh rahe ho ki ye karna chahiye, wo karna chahiye. Aap batao, in sab ki zarurat kya hai? Ye automatic kyun nahi hoti hai cheeze? Jab maine decide kar liya ki mujhe ek CA banna hai, to automatically kyun nahi positive vibes aa jati hai? Automatically subconscious kyun nahi program ho jata hai? Automatically mujhe results kyun nahi mil jate hain? Kabhi aapne aisa suna hai ki duniya ke andar अच्छाई इतनी बढ़ गई है कि बुराई को शुरू करने के लिए भगवान ने जन्म लिया? ऐसा होता है कभी? मैंने नहीं सुना. आपने सुना है? नहीं सुना ना. एक्चुअली होता क्या है, नेगेटिविटी अपने आप बढ़ती है. आपने देखा होगा जब बहुत तेज बारिश आ जाती है और खुले मैदान वगैरह होते हैं, उनके अंदर जंगली पौधे अपने आप उग जाते हैं. दिस इज द लॉ ऑफ नेचर. नेगेटिविटी अपने आप बढ़ती है, पॉजिटिविटी को बढ़ाना पड़ता है. कौन बढ़ाएगा? आप खुद. आपको खुद उसे बढ़ाना पड़ता है. Now you have to balance this taraju. Agar is taraju mein positivity, negativity. There is a famous quote, two bulls always fight in your mind. Positive thinking, negative thinking. Which one wins the most? The one you feed the most. Aap kisko feed kar rahe hain? Un sari ki sari cheezon ke andar aapne ye dekha hoga ki you are feeding it. You accept the other person's suggestion. You affirm it. You see the negative pictures. Ye sab kaun kar raha hai? Ye sab aap kar rahe ho. You are the one who is feeding the negative bull. ये आप ही को इंश्योर करना पड़ेगा कि मैं पॉजिटिव बुल को फीड करूं. मेरा जो तराजू है वो पॉजिटिविटी की तरफ झुका हुआ हो, ना कि नेगेटिविटी की तरफ. गॉट इट? दिस वॉज मोर ऑर लेस द लॉ ऑफ बिलीफ. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट योर बिलीव्स क्रिएट योर रियलिटी. व्हाट इज बिलीफ? कलेक्शन ऑफ थॉट्स. अगर वो थॉट्स नेगेटिव है तो रिजल्ट्स विल बी नेगेटिव. इफ द थॉट्स आर पॉजिटिव, द रिजल्ट्स विल बी पॉजिटिव. एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट. Napoleon Hill once said, man may become the master of himself because he has the power to influence his own subconscious mind. All of you have the power to influence your own subconscious mind. If you influence your own subconscious mind the way you want it to be, the results will be same what you want it to be. जैसा आप चाहोगे वैसा आपको मिल जाएगा. अगर नहीं करोगे तो वही हाल होगा जो सेल वाली बोट का होता है, जिसमें जिधर हवा आ रही है उधर ही मुड़ जाती है. वही होगा दोस्तों. नेगेटिविटी अपने आप बढ़ती है, पॉजिटिविटी आपको बढ़ानी पड़ती है. यू विल हैव टू मेक द एफर्ट ऑन इट. आई होप द लॉ ऑफ बिलीफ इज क्लियर टू यू. इज द लॉ ऑफ बिलीफ क्लियर टू यू? परफेक्ट. आर वी रेडी टू गो ऑन अनदर लॉ? परफेक्ट. मेरी वॉइस ठीक है? आर यू एबल टू हियर मी? गुड.
The second law of the seven laws of clearing CA exams is the law of love. Sir, ye kaise sikha rahe? Sir, ye kaise sikha rahe? ये उसमें तो हार्ड वर्क लिखा हुआ है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है. सो द सेवन लॉज ऑफ क्लियरिंग सीए फाइनल, इसमें जो दूसरी लॉ है इट इज द लॉ ऑफ लव. अब आप कहोगे सर ये सिखाने की जरूरत नहीं है, वी आर जबरदस्त. यार अगर होते ना, लिटरली ट्रूली अगर होते ना, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती अबाउट लॉ ऑफ लव. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, उसको यूज तो करते हो लेकिन उसको समझते नहीं हो. उसको यूज तो करते हो, डेफिनेटली आई एग्री, बट यू डोंट रियली यूज इट, यू डोंट रियली अंडरस्टैंड इट कि ये लॉ ऑफ लव एक्चुअली है क्या. नाउ द लॉ ऑफ लव सेज यू लूज व्हाट यू कंडेम, यू कैन नॉट अट्रैक्ट व्हाट यू क्रिटिसाइज. अमेजिंग कॉन्सेप्ट, अमेजिंग कॉन्सेप्ट, पकड़ गए तो मजा आ जाएगा. द लॉ ऑफ लव सेज यू लूज व्हाट यू कंडेम, यू कैन नॉट अट्रैक्ट व्हाट यू क्रिटिसाइज. It is indeed worth repeating. You lose what you condemn. Jis bhi cheez ko condemn karoge, you will lose it. You cannot attract what you criticize. Jis bhi cheez ko criticize karoge, attract nahi kar paoge. Kabhi bhi attract nahi kar paoge. Main aapko ek example deta hu. Ab aap dekhiye kya zabardast discoveries hui hain. Aapne pure ye jo you know throughout this evolution of mankind. Aapne dekha hoga kya zabardast discoveries hui hain. Mobile phones aaye, bulb, light, aeroplanes, X, Y, Z. Mante ho is baat ko? भयंकर डिस्कवरीज हुई हैं, जबरदस्त डिस्कवरीज हुई हैं. आपको क्या लगता है जिन लोगों ने उसको डिस्कवर किया है, वर दे इन लव विद दैट डिस्कवरी, दैट प्रोसेस, या वो उसको हेट करते थे? क्या करते थे, क्या करते थे? दे वर इन लव विद इट, दे वर इन लव. क्या एडिसन ऐसे बोलता था, अरे बल्ब बन जाए यार, क्यों मेरा सर खा रहा है? क्या हुआ होगा ऐसा? क्या कभी हुआ होगा? अगर अब की बार नहीं बना तो उठा के बाहर फेंक दूंगा सारे ऊर्जा और ये पौधा जो कुछ भी है, दोबारा से कभी इस बल्ब बनाने की कोशिश को नहीं करूंगा. मुझे नहीं लगता कभी उसने बोला होगा. एडिसन ने क्या बोला होगा? वाह यार अब की बार फिर नहीं बना, आई अगेन फाउंड अ वे दैट डिड नॉट वर्क, अगली बार काम करूंगा, अगली बार रिजल्ट मिल जाएगा. ये सोचा उसने. ही वॉज इन लव नॉट जस्ट विद द रिजल्ट, विद द प्रोसेस, विद द फ्लो. सिर्फ रिजल्ट के साथ नहीं कि बल्ब बन जाएगा तो ठीक है, ही वॉज इन लव विद द प्रोसेस, द एंटायर प्रोसेस. Are you in love with the process of becoming a chartered accountant? Are you truly in love with it? Are you truly, truly in love with becoming a chartered accountant? क्या इस डिग्री से उतना प्यार है जितना प्यार? बोलो, क्या इस डिग्री से भी उतना ही प्यार है जितना कि प्यार? Now, the court says you lose what you condemn, you cannot attract what you criticize. अब हम क्या करते हैं? जबरदस्त mistakes, huge mistakes. And we commit it daily, on a daily basis. And then we expect to become a chartered accountant. How? Let me explain you how. Problem kya hai? Ek article tha. Jab main articleship karta tha, to mera ek dost tha. Aur uski apne principal se patti nahi thi. Aap logon ke saath aisa hota hai kya? Aap logon ke saath aisa hota hai kya? Dar kyun rahe ho yaar? Bhaiya recording band kar do yaar, 2 minute. Kya hua? So, hota hai na aapke saath? Ki somehow, yaar wo maza nahi aa raha. Wo principal ke saath wo ban nahi pa rahi baat. Hota hai aisa? Done? Right. So, the point is, वो क्या करता था? वो ये कहता था, यार जिस दिन मैंने इसका ऑफिस छोड़ दिया ना, उस दिन इसी ईंट से इसकी बिल्डिंग के इन्हीं शीशों को फोड़ दूंगा. Now, look at the behavior. I understand there are some principles who are not in harmony, not in sync with their articles. I agree to it. But Look at the thought pattern of this person. वो person कहता क्या? वो बंदा क्या कहता? कहता जिस दिन मैं इसके office से बाहर निकला, ये शीशा done. You lose what you condemn, you cannot attract what you criticize. आज 7 साल हो चुके हैं, he's अभी तक वो CA नहीं बना है. अभी तक वो CA नहीं बना है. I don't know if this is the only reason or not, but अभी तक वो CA नहीं बना है. Somewhere, somehow, I feel inside me कि ये भी कहीं ना कहीं वो कारण है, which is contributing to his failure. This is what I personally feel. If you truly want to become a chartered accountant, you will have to be in love, in sync, in harmony with your principles, जिनके अंदर आप articleship कर रहे हैं. अगर उनके साथ आप नहीं हैं, if you are not in sync, not in harmony with it, आपका mind क्या समझेगा? Your subconscious mind, your conscious mind. यार CA तो बनना चाहता है ये बंदा, लेकिन CA का ये जो बंदा खड़ा हुआ है, इससे नफरत करता है. I am slightly confused, यार ये इंसान चाहता क्या? वाकई CA बनना चाहता है? अगर चाहता तो इसे नफरत नहीं करता. A lot of students make this mistake. They
hate their principles. They truly, truly hate their principles. If you get out of here, literally, I'll tell you. There's no tension in the office. So this is a very, very big mistake. You will have to be in love with your principle, in harmony, in sync with your principle. Now don't take love in literal sense, but definitely you will have to be in harmony. In harmony. Okay, I don't really appreciate you. I agree. But somehow I don't feel negative about you. Because somewhere you are CA. Tere paas office hai, degree hai, mujhe bhi wahi chahiye. I cannot afford to hate you. I cannot afford to criticize you. I cannot afford to condemn you. And friends, you cannot afford to do it too. You really cannot afford to do it. Because if you do it, you are denying the law of love. And once you deny the law of love, you don't get the desired results. Kya kare? Universal laws hain. Inke saath chalna padega. Inke saath chalna padega. Yaar, mujhe to pasand hai building se jump marna aur hawa mein tairna. It's not possible. The universal law of gravitation will pull you down. You will be killed. Aisa to nahi ho sakta na? So law of love is a universal law. You will have to accept it. Koi chara nahi aapke paas. I see a lot of students. I mean, I'm sharing my own personal experiences. When I was a student myself, तो क्या होता था, बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो कि हम कोचिंग करने जाते थे और बिल्कुल बैक बेंच पे बैठ, सबसे लास्ट में बैठते थे, और जो टीचर पढ़ा रहा होता था, यार क्या पहन के आता यार ये रोज की रोज, यार ये पैसा तो करोड़ों कमा चुका होगा अब तक, तो यार ये अपने ऊपर पैसा खर्च क्यों नहीं करता, तो यार इसको ये समझ नहीं आता कि हम परेशान है, मतलब क्या इंसान है, मतलब दे आर नॉट इन हार्मनी, दे आर नॉट इन सिंक विद द टीचर्स. आप मुझे एक छोटा सा बात बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य अगर चाणक्य से नफरत करता तो क्या कभी चंद्रगुप्त मौर्य बनता, क्या कभी बनता? इम्पॉसिबल, एब्सोल्यूटली इम्पॉसिबल. ही वॉज इन लव, इन सिंक, इन हार्मनी विद चाणक्य. यू विल हैव टू बी, यू विल हैव टू डू द सेम विद योर टीचर्स. देखिए, जो टीचर्स होते हैं और जो सब्जेक्ट होते हैं, दे आर द ब्रिज, दे आर द ब्रिज. यू कैन नॉट अफोर्ड टू क्रिटिसाइज योर टीचर्स, यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू इट. इफ यू कॉन्शियसली डू इट, योर सबकॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड्स, यार इसको ये सीए पसंद नहीं है, इसका मतलब इसको सीए पसंद नहीं है, इसका मतलब जो पसंद नहीं है वो काम तो करना ही नहीं चाहिए, इसका मतलब सीए बनो ही मत. दिस इज व्हाट योर सबकॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड्स. दोस्तों, कभी ये गलती मत करना कि अपने टीचर्स को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दो. नाउ इफ देर आर सम थिंग्स कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं यार, मैं इस बंदे के साथ जेल नहीं हो सकता, अगर आपको ये लगता है कि यार नहीं, इस बंदे के साथ प्रॉब्लम है, चेंज योर टीचर. क्या प्रॉब्लम है? चेंज योर टीचर. इट इज मेक अ डिसीजन. Think positive about your teacher. जो negative है उसको छोड़ दो, दूसरे के पास चले जाओ. But there is no other way but to love your teacher, be in sync, in harmony with your teacher. Number one, your principal. Number two, your teacher. Number three, most important. क्या? यार ये costing ना होती ना, तो मैं अब तक CA बन चुका होता. Literally, ये जो MICS है ना, क्या ICS है? ये जो भी है, ये अगर मैं होती ना आज, भाई साहब, मैं तो literally rank holder था यार. इसने मुझे रोके रखा हुआ है. When you say I hate ISCA, ISCA says I hate you. It is I hate you. See, when you say I hate ISCA, ISCA says I hate you. When you say I don't like this subject, the subject says I don't like you either. How can you expect to score good in a subject that you consciously, subconsciously are not in sync with? यार मुझे costing पसंद ही नहीं है. आपको कॉस्टिंग पसंद ही नहीं है और आप सोचते हो कि आप कॉस्टिंग के अंदर अच्छे नंबर ले आओगे. क्या ठीक है, पसंद नहीं है, थोड़े टाइम के साथ अपना रूममेट बना लो यार. कई बार ऐसा होता है ना कि रूममेट पसंद नहीं होता, बट यू एक्चुअली स्पेंड टाइम विद द रूममेट. ठीक है यार, थोड़े दिन की बात है, वो चला जाएगा, नहीं मैं चला जाऊंगा. ठीक है यार, थोड़े दिन की बात है, ये कॉस्टिंग सब्जेक्ट है मेरे साथ, जब CA बन जाऊंगा छूट जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? बट यू डोंट अंडरस्टैंड इट. आज ही पसंद नहीं है, आज ही टाइम डिवोट नहीं करूंगा उसके साथ, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे सब्जेक्ट. रिजल्ट आपके सामने है. You literally cannot afford to condemn, criticize this subject. Cannot afford to do it. जब मैं student था तो literally मुझे भी costing पसंद नहीं थी, इसलिए I gave this example of costing. मुझे costing पसंद नहीं थी, तो मैं क्या करता था, मैंने क्या किया, मैंने मोबाइल लिया और उसमें आवाज रिकॉर्ड करी अपनी. मैंने उसमें कुछ इस तरीके से बोला, I love costing. और मैंने costing की पूरी बुक सॉल्व कर ली है. Costing is my strongest subject. You might laugh, but I was ready to do whatever it takes. मुझे अगर कोई दिखाया था कि यार ये कर ले, ये रिजल्ट मिल जाए, I was ready to do it. If you are ready to do it, then do it. ISCA पसंद नहीं है, say the same thing. I love ISCA, and this is my strongest subject. और मुझे सारे questions के answer आते हैं. And listen to that recording daily for a couple of days, at least for a couple of weeks, and you will see the difference. क्योंकि क्या होता है?
It is the affirmations that lead to belief. Affirmations. Bar bar bolna. It is the affirmations that lead to belief. Once that belief become a deep conviction, things begin to happen. It is the repetition of affirmations. So this is very, very important. Now, another very important concept in this law of love is you will have to be in harmony with ICAI. यार ये इंस्टीट्यूट है जिसकी वजह से मैं आज तक अटका हुआ हूं सीए में. अगर इसने रिजल्ट थोड़े ज्यादा कर दिए होते ना, मैं सीए बन चुका होता. जहां मैं मेहनत बढ़ाता हूं ये रिजल्ट कम करता है, मैं मेहनत बढ़ाता हूं ये रिजल्ट कम करता है. यार मेरा तो दुश्मन बना हुआ है सीए इंस्टीट्यूट. क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? क्या पर्सनल दुश्मन निकल रहा है आपके साथ? ऐसा लगता है आपको? डू यू रियली थिंक सो? क्या आपका नाम बाकायदा बोर्ड पे लगा हुआ और आपको लगता है कि यार इस बंदे को सीए नहीं बनाना? ये करते हैं वो. दे डोंट डू इट. दे डोंट डू इट ऑन अ पर्सनल लेवल, डेफिनेटली नॉट. बट यू आर प्री ऑक्यूपाइड विद योर लिमिटिंग बिलीव्स. मैं तो प्री ऑक्यूपाइड हूं यार. मुझे तो आईसीएआई ही पसंद नहीं है यार, बात ही खत्म. मुझे तो इंस्टीट्यूट की गवर्निंग बॉडी ही पसंद नहीं है. पता नहीं ये लिटरली हाँ मतलब किस तरह के लोग वहां पे काम कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता. क्या क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं वो. यू वन सो एक और गलती करते हैं आप लोग. एंड दैट गलती इज टू फील जेलस अबाउट योर फ्रेंड जो आपसे पहले सीए बन गया. यू डू इट और नॉट? You do it or not? Put your hand on your heart and say, do you really do it or not? You do it. You feel jealous. Negativity. You truly feel jealous. Aur wo jo jealousy hai na, that creates the damage. Wo aapka damage kar jati hai. Jealousy is a tribute that mediocrity pays to genius. Are you a mediocre person or you truly want to be a genius? Becoming and coming into CA fraternity, it's like marching towards greatness. It's not about being mediocre. You can't afford to be mediocre once you are a CA student. You are marching towards greatness. Can you afford to do it? You cannot. You can't afford to feel jealous about your friend. Sirf isliye ki wo pehle CA ban gaya. Yaar sir, wo problem nahi ki wo pehle CA ban gaya. Problem ye hai ki padhta hi nahi tha, uske bawajood CA ban gaya wo. Aap uske saath 24 hour rehte the kya? Jab aap nahi pad rahe the, wo pad raha tha. Jab aap nahi pad rahe the, wo pad raha tha. Kya bachpan se aapka dost hai? Nahi. जब आपका दोस्त नहीं था, उसके पहले उसने कुछ फंडेज ऐसे क्लियर कर लिए थे लाइफ के जो उसको सीए बना गए और आपको सीए नहीं बना पाए. फ्रेंड्स, यू कैनॉट अफोर्ड टू फील जेलस ऑफ योर फ्रेंड्स. आपका माइंड क्या सोचेगा? यार कल तक तो इस बंदे को ये लाइक करता था, आज इस बंदे को ये लाइक नहीं करता. क्यों? क्योंकि एक सीए वर्ड बीच में आ गया है. नहीं नहीं यार, कल को मुझे भी लोग इसीलिए पसंद नहीं करेंगे. सो लेट्स मूव अवे विद दिस कीवर्ड, दिस सीए कीवर्ड. लेट्स मूव अवे विद इट. जिस चीज को जिंदगी में लाना चाहते हो उसको दूर धकेलते जाते हो. एंड देन यू से देयर इज अ प्रॉब्लम. देन यू से देयर इज अ प्रॉब्लम. तो हु इज टू ब्लेम? द टीचर, ICAI, योर फ्रेंड्स? हु इज टू ब्लेम? द ओनली पर्सन टू ब्लेम इज यू, योर सेल्फ. बट वी डोंट गेट इट. वी डोंट गेट इट. डू वी डोंट गेट इट. मगर प्रॉब्लम वो नहीं है कि वी डोंट गेट इट. प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई बताए उसके बाद भी अगर समझ में ना आए, देन देयर इज अ प्रॉब्लम. देन देयर इज अ प्रॉब्लम. Got it? A bhayankar mistake is you choose to hate yourself. You choose to hate yourself. Why? Why do you choose to hate yourself? Yaar, pichle teen attempt se jeet tod mehnat kar raha hu, uske baad bhi CA nahi ban pa raha. Something somewhere is wrong, yaar. I want to slap myself. You say, I want to slap myself because somewhere, somehow, I am unable to become a chartered accountant. Problem kiski hai? Aapko kya lagta hai? Slapping yourself will answer your queries. आपको क्या लगता है वो चीजें ठीक कर देगा? जो बॉडी यू योर सेल्फ विल हेल्प यू बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यू एक्चुअली स्टार्ट हेटिंग योर सेल्फ. मैं उसी चीज से नफरत कर रहा हूं जो माध्यम है जो मुझे बनाएगा वो जो मैं बनना चाहता हूं. बट आई चूज टू हेट माई सेल्फ. आई एम नॉट इन सिंक, आई एम नॉट इन हार्मनी विद माई सेल्फ. यार प्यार की शुरुआत तो खुद से होती है. प्यार की शुरुआत खुद से होती है. इफ यू लव योर सेल्फ, पीपल लव यू. If you don't love yourself, if you are not in harmony with yourself, you cannot afford, you cannot expect others to love you. To be in harmony with you, you cannot afford to do it. Friends, you lose what you condemn, you cannot attract what you criticize. You cannot afford to criticize your teachers, your principals, subjects, yourself. ICAI. You cannot afford to do it. If you somehow do it, फिर मुझे मत कहना कि सर सात लोग पढ़ी लेकिन उसके बाद भी सीए नहीं बने. These are indirect causes.
But they are so important, so crucial, you cannot afford to ignore them. Cannot. बाकी चीजें जो है ना, आप सोचोगे सर सेवन लॉस समझने के लिए आया था, मैं तो सोच रहा था कोई होल्डिंग समझाओगे आप, मुझे तो लग रहा था कहीं कुछ डायरेक्ट टैक्स का कोई लॉस समझाओगे आप. नहीं 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 नहीं, वो सब आपको समझाने की जरूरत नहीं है. यू ऑल आर मैच्योर माइंड्स. वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, वो तो आप खुद पढ़ लोगे. मैं तो आपको वो चीजें बताऊंगा जो आप इग्नोर करते आ रहे हो, जिसकी वजह से आप सीए नहीं बन पा रहे, जो चीजें आपको रोक रही है. मैं तो आपको वो बताने वाला हूं. मैं आपको लॉज नहीं पढ़ाने वाला, और वो पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है. इनफैक्ट आई ट्रूली फील वी डोंट रियली नीड टीचर्स. खैर डिस्कशन को उस डायरेक्शन में नहीं लेके जाते. नाउ व्हेन यू चूज टू हेट योरसेल्फ, वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. यू आर नॉट इन सिंक, नॉट इन हार्मनी विद योरसेल्फ. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू डिवोट टाइम ऑन समथिंग एल्स, जो कि जो चीज आपको उस पर टाइम डिवोट करवाएगी उसी के साथ हार्मनी नहीं है. खुद को ही पसंद नहीं कर रहे आप. इनफैक्ट द नेक्स्ट लॉ, विच इज द लॉ ऑफ हार्ड वर्क, वो लॉ ऑफ लव से शुरू होती है. Unless and until you love something, you cannot actually devote the amount of time, the amount of effort, the amount of energy that it really requires. अगर आपको वाकई किसी चीज को पाना है, and you truly, truly wish to spend the amount of hard work, put in the amount of hard work that it demands, you will have to be in harmony with that thing first. इसीलिए तो ये जो साइंटिस्ट हैं, ये जो लोग बड़े बड़े काम करते हैं, say for example सचिन तेंदुलकर, जब वो प्रैक्टिस करता है वो ये सोचता होगा, अरे यार दो घंटे और. नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं सोचता वो. वो कहता है यार दो घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला. बिकॉज इज इन लव विद बैटिंग, इज इन लव विद क्रिकेट. आर यू इन लव विद व्हाट यू आर डूइंग? आर यू ट्रूली इन लव? आस्क दिस क्वेश्चन योरसेल्फ ऑन अ डेली बेसिस. इफ द आंसर इज नो, नहीं यार कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है. अभी प्रॉब्लम होती क्यों है, मैंने इसको भी एनालाइज किया. कई लोग कहते हैं कि यार पता क्यों प्रॉब्लम, क्या है इसमें प्रॉब्लम? ये है, द रीजन व्हाई आई कांट लव बीइंग अ सीए, व्हाई आई कांट लव दिस प्रिंसिपल, दिस वर्ड सीए, इज बिकॉज दिस इज नॉट माई पैशन. एक्चुअली मेरा पैशन ही नहीं था यार, मैं तो कुछ और बनना चाहता था. एक बड़ी पर्सनल चीज शेयर करता हूं, मैं भी ऐसा ही था. किसी को कहना मत, बट बिकमिंग सीए वॉज नॉट माई पैशन. इट वॉज नॉट माई पैशन, इट वॉज नॉट माई ड्रीम. आई वॉन्टेड टू राइट, आई वॉन्टेड टू स्पीक, दिस इज वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ. मगर क्या आज आप मुझे सुन रहे होते अगर मैं खुद सीए ना होता? क्या आप मुझे सुन रहे होते? क्या आप मुझे सुन रहे होते? नहीं. सीए, आप सीए के साथ जितना इंसाफ नहीं करेंगे उससे ज्यादा इंसाफ की डिग्री आपके साथ कर जाएगी. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस डिग्री गिव्स यू पावर, रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, फाइनेंशियल फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, यू नेम इट एंड यू हैव इट. दिस इज एन अमेजिंग डिग्री. एंड इफ यू से माई पैशन इज समथिंग एल्स, यार मैं तो कुछ और बनना चाहता था यार, देन बिलीव मी, सीए विल हेल्प यू इन बिकमिंग दैट पर्सन. सीए, बिकमिंग सीए विल हेल्प यू. दिस डिग्री विल एक्चुअली हेल्प यू. ये आपके रास्ते में रोड़ा नहीं आने वाली है, ये रोकेगी नहीं आपको. ये आपको उस वक्त बैकअप करेगी व्हेन यू नीड इट द मोस्ट, तब आपको ये बैकअप करेगी. और देन यू विल रियलाइज कि यार मैं सोचूं कि नहीं यार मेरा पैशन तो कुछ और था. डोंट मेक दिस मिस्टेक, डोंट मेक दिस मिस्टेक, यू विल रिग्रेट इट. मार्क माई वर्ड्स, यू विल रिग्रेट इट इफ यू डू इट. फ्रेंड्स, आई होप द लॉ ऑफ लव इज क्लियर टू यू. कैन वी मूव अहेड विद द नेक्स्ट लॉ? दैट्स द पैशन. द नेक्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ हार्ड वर्क. The law of hard work says there is no such thing as something for nothing. Sir, kya kaha dobara bolo? There is no such thing as something for nothing. Sir, kya aisa ho sakta hai ki wo Hindi mein kahawat hai na, hing lage na fit kari, hai na? Hai na? Aisa nahi hota. In reality, it doesn't happen. Friends, in reality, in the long run, you get exactly for which you pay. Exactly. ये जो तराजू होता है, इट इज एब्सोल्यूटली बैलेंस्ड. कभी भी ऐसा इन द शॉर्ट रन ऐसा हो सकता है, बट इन द लॉन्ग रन जो तराजू होता है, इट इज ऑलवेज बैलेंस्ड. इन द शॉर्ट रन आपको लग सकता है कि यार बिना पढ़े ही मैं तो एग्जाम में क्लियर हो गया. पता है मेरे साथ ऐसा ही हुआ था. जब मैं सीए पी टू कर रहा था तो एक ग्रुप मैंने दिया और बिना पढ़े ही पास हो गया, बिना पढ़े. एंड आई इमीडिएटली रियलाइज्ड, यार वो तो कितना पढ़ते थे यार मेरे दोस्त, वो अभी तक पास नहीं हुए, मैं तो बिना पढ़े ही पास हो गया. और दूसरे अटेम्प्ट में ना सिर्फ मैंने उस अटेम्प्ट की पढ़ाई करी, मैंने पिछले अटेम्प्ट की डबल डबल पढ़ाई करी. पास ही नहीं हुआ उसमें, दो तीन बार उसमें लटका रहा मैं उसमें. एंड देन आई रियली रियलाइज दिस कोटेशन, तब तक मुझे समझ नहीं आई थी. देन आई ट्रूली रियलाइज दिस कोटेशन. इट सेज देयर इज नो सच थिंग एज समथिंग फॉर नथिंग. इन द लॉन्ग रन यू गेट एग्जैक्टली फॉर विच यू पे. जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा. दिस इज द लॉ ऑफ हार्ड वर्क. अगर लॉ ऑफ हार्ड वर्क को आप समझ गए तभी आप जस्टिस कर पाओगे लॉ ऑफ बिलीफ और लॉ ऑफ लव के साथ.
बिकॉज अभी तक मैनकाइंड उस स्टेज में नहीं पहुंचा है दैट इट कैन क्रिएट थिंग्स आउट ऑफ इट्स थॉट्स. मैंने आपको बोला है कि सबकॉन्शियस इज क्रिएटिंग योर रियलिटी, बट इफ यू डोंट पुट इन द हार्ड वर्क, इफ द मैनुअल लेबर इज नॉट देयर, यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर ड्रीम्स. डेफिनेटली नॉट. हार्ड वर्क इज एब्सोल्यूटली एसेंशियल. यू कैन क्रिएट थिंग्स विद योर थॉट ओनली बाय पुटिंग इन द मैनुअल लेबर. वो मैनुअल लेबर नहीं डालोगे वो थॉट्स काम नहीं आएंगे. बिकॉज योर माइंड विल इटसेल्फ नकार देगा चीजों को, वो नकार देगा चीजों को. अगर आप बैठे बैठे सोच रहे हो कि मैं सीए बन रहा हूं, मैं सीए बन रहा हूं, और पूरे दिन पॉपकॉर्न खा रहे हो और मूवी देख रहे हो, कहेगा यार नहीं मिला था क्या, यार नहीं मिला था क्या. योर माइंड विल डिनाई योर सजेशन, इट विल एब्सोल्यूटली डिनाई इट. सीने से वो खारिज कर देगा उस चीज को. This is very important that you understand the law of hard work. There is no such thing as something for nothing. In the long run, you get exactly for which you pay. Now, जब मैं CA final में था, तो मैं library में पढ़ता था, और जैसे ही एक दिन मैं library से पढ़ के बाहर आया, तो मेरे दोस्त ने मुझे पकड़ लिया. अरे नितिन बात सुन, एक मिनट रुक रुक. मैंने कहा यार, यार तू बड़ा पढ़ता है. मैंने कहा यार क्या करूँ, CA बनना है. अच्छा एक बात तो बता, कितने घंटे पढ़ता है दिन में. मैंने कहा यार यही कोई 8-10 घंटे पढ़ता हूँ. अच्छा अच्छा एक बात तो बता, जब तू पढ़ता है तो तू बीच में जब फोन कॉल्स आती हैं तो वो ले लेता है. मैंने कहा यार हाँ ले लेता हूँ. मैसेजेस पढ़ लेता है. हाँ यार वो तो पढ़ लेता हूँ. अच्छा कोई देखो डिस्टर्ब करने आ जाता है तो तू उसकी बात सुन लेता है. हाँ यार सुन तो लेता हूँ. अच्छा कोई अपने क्वेरी लेकर के आता है तो उसकी क्वेरी रिजॉल्व कर देता है. हाँ यार ये भी करता हूँ. अच्छा जब तू घर जाता है तो वो रास्ते का टाइम और वो डिनर का टाइम और वो लंच का टाइम, क्या ये सारा मिलाकर के तेरे वो 8-10 घंटे बन रहे थे. मैंने कहा हाँ यार मैंने इतना तो एनालाइज नहीं किया, लेकिन ये एनालाइज किया है कि सुबह उठा और पढ़ने लगा, चला गया लाइब्रेरी, वहां भी पढ़ा, वापिस आया, घर पे भी पढ़ा, ये सारा टाइम मिलाकर के 8-10 घंटे बनते थे यार. तो वो हंसा और हंस करके उसने कहा कि यार मुझे ऐसा लगता है कि तू मुश्किल से 5 घंटे भी नहीं पढ़ रहा. आई वाज शॉक्ड. यार क्या कह रहा है, क्या कह रहा है वो. मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता. कहता ऐसा ही है. मैंने कहा अच्छा तू मेरी छोड़ यार. आई वाज रेडी विद इट. मैंने कहा यार तू मेरी छोड़, तू अपनी बता. हंसने लगा. कहता मुझे पता था तू मुझसे ये सवाल पूछेगा कि मैं कितने घंटे पढ़ता हूं. इमीडिएटली उसने पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला, मेरे सामने कर दिया. उसमें स्टॉपवॉच थी, उसमें स्टॉपवॉच थी और वो स्टॉपवॉच रुकी हुई थी. आई वाज स्लाइटली कंफ्यूज. मैं कहा यार मतलब. कहता नहीं समझा. मैंने कहा नहीं. कहता ये देख इसमें कितने घंटे. मैंने कहा इसमें 7 घंटे 5 मिनट दिखा रहा है. कहता ये एग्जैक्ट टाइम है जो मैं अभी तक पढ़ा हूं आज के दिन में. माय गॉड आई मीन लुक एट दैट. मेरे तो कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ गई. मैंने कहा यार वाकई मतलब क्या कॉन्सेप्ट है. मतलब यू यूज योर स्टॉपवॉच to get the exact number of hours that you are studying. कहता भाई यही तरीका है पढ़ने का, exact number of hours पता लग जाते हैं. You might be laughing now, but believe me, उस वक्त जब मैंने उस चीज को देखा, then I realized कि यार, I think this is the best way. कहता यार इसी से तो पता लगेगा, वरना तो exact output का पता ही कैसे लगेगा. यार बात तो ठीक है. मैंने अगले दिन से follow करना शुरू कर दिया. यही होता है. मैंने अगले दिन से फॉलो करना शुरू कर दिया. अगले दिन से मैंने भी अपने मोबाइल में देखा कि स्टॉपवॉच का फीचर है. हालांकि मैंने उसको यूज करना शुरू कर दिया. जैसे कि फोन कॉल आती मैं टक से उसको रोक देता, फोन कॉल अटेंड करता, ऑन करता, पढ़ता. मैं जैसे ही पढ़ने के बाद लंच करने जाता उसको रोकता, लंच करके आता, अगेन आई यूज टू स्टार्ट इट कंटिन्यूएशन में. एंड आई वॉज रियली शॉक्ड जब मैंने स्टॉपवॉच पे देखा तो नंबर ऑफ आवर्स एक्जैक्टली एट द एंड ऑफ द डे वर 5 आवर्स. एंड आई वॉज थिंकिंग आई वॉज स्टडिंग विद फॉर 10 आवर्स. नाउ अब आप लोग एकदम से सीरियस हो गए. आपको लग रहा है कि यार बात तो सही है, यार बात तो सही है यार, स्टॉपवॉच तो मेरे मोबाइल में भी है, ये तो यार फीचर मैं भी यूज कर सकता हूं. प्रॉब्लम वहां नहीं हुई. प्रॉब्लम वहां हुई जब मुझे ये पता लगा कि मेरे 5 घंटे हैं आउटपुट, एंड माय माइंड माय अटेंशन डाइवर्टेड फ्रॉम स्टडिंग टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आवर्स. यार 5 घंटे नहीं, मुझे 10 घंटे पढ़ना है. देन माय अटेंशन वॉज डाइवर्टेड फ्रॉम स्टडिंग मोर टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आवर्स. ये मैंने प्रॉब्लम वहां पर शुरू कर दी. अब मैंने क्या करना शुरू किया, सिर्फ जस्ट टू सेटिस्फाई माय ईगो. अंडरलाइन दिस वर्ड, अंडरलाइन दिस लाइन. जस्ट टू सेटिस्फाई माय ईगो मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने ज्यादा आवर्स पढ़ने शुरू कर दिया. जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंक्रीजिंग द टाइम मैं वहां बैठा रहा टेबल कुर्सी के ऊपर और पढ़ता रहा. आई वॉज फूलिंग माई सेल्फ. Eventually, I was able to hit the 10 hours mark. But immediately, I realized, yeah, the problem with rat race is that even if you win the race, you still remain a rat. The problem with rat race is that even if you win the race, you still remain a rat. Chuha daur mein padhne ki koi zarurat nahi hai. Trust your own style. Agar aapko ye lagta hai, yaar, wo 15 ghante padhta hai, let it be. Main 5 ghante padh ke CA banunga.
मेरे 5 घंटे की आउटपुट उसके 15 घंटे के बराबर होगी। आपको यह सोचने की जरूरत ही नहीं है कि यार वो क्या कर रहा है या ये क्या कर रही है या वो कैसे पढ़ता है या ये कैसे पढ़ता है। नॉट एट ऑल। ट्रस्ट योर ओन स्टाइल। बच्चे थोड़ी हो यार, पूरी स्कूलिंग कंप्लीट करके आए हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए हो, कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, ये कोई बताएगा क्या? यू डोंट नीड इट। फ्रेंड्स, अ वेरी सिंसियर सजेशन, नेवर गो फॉर दिस रैट रेस। द प्रॉब्लम विद रैट रेस इज दैट इवन इफ यू विन द रेस, यू स्टिल रिमेन अ रैट। गॉट इट? डन? परफेक्ट। अब ये जो हार्ड वर्क है, इसको समझने के लिए एक चीज को और समझना बहुत जरूरी है, और वो चीज क्या है? इट इज द लॉ ऑफ सैक्रिफाइस। मैंने अपनी जिंदगी में एक कोटेशन को अच्छे से समझ रखा है, अच्छे से पकड़ रखा है, और उसको मैं कभी भूलता नहीं हूं। एंड द थिंग इज, यू कैन हैव एनीथिंग इन लाइफ, यू कैन हैव एनीथिंग इन लाइफ इफ यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग एल्स फॉर इट। यू कैन हैव एनीथिंग इन लाइफ इफ यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग एल्स फॉर इट। देखो, सैक्रिफाइस तो आपको करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप एक चीज को पाना चाहते हैं तो उसी वक्त दूसरी चीज को नहीं पा सकते। पा सकते हो क्या? नहीं पा सकते। नाउ सिंस यू आर सिटिंग हियर, यू आर नॉट स्टडिंग, यू आर सैक्रिफाइसिंग योर स्टडी फॉर दिस सेमिनार। दिस इज द लॉ ऑफ सैक्रिफाइस। आपको कुछ चीज को पाने के लिए दूसरी चीज का सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। अब जरा इस लॉ ऑफ सैक्रिफाइस को थोड़ा ढंग से समझते हैं। व्हाट इज दिस लॉ ऑफ सैक्रिफाइस? द लॉ ऑफ सैक्रिफाइस सेज, टू अचीव समथिंग ऑफ हायर नेचर, यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग ऑफ लोअर नेचर। टू अचीव समथिंग ऑफ हायर नेचर, यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग ऑफ लोअर नेचर। और आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा वो हायर नेचर की चीज कौन सी है और वो लोअर नेचर की चीज कौन सी है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके लिए सीए बनना इंपॉर्टेंट है, इफ दिस इज ट्रूली व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, इफ दिस इज समथिंग ऑफ हायर नेचर, बी रेडी टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग एल्स ऑफ लोअर नेचर। गॉट इट? दिस इज द लॉ ऑफ सैक्रिफाइस। द लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? आप तो फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जब अगली बार फेसबुक के ऊपर 3 घंटे बर्बाद हो जाए तो अपने आप से पूछना कि इस 3 घंटे में मैं कुछ और क्या कर सकता था। क्या मैं वो कॉन्सेप्ट, वो पढ़ाई, वो चैप्टर कर सकता था जो शायद एग्जाम में आ जाएगा? क्या मैं वो चीज रिवाइज कर सकता था जो मैं अब करूंगा 3 घंटे जो मैं शायद बर्बाद कर चुका हूं? सो द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ऑलवेज ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर टाइम ही नहीं मिलता। यार टाइम कैसे नहीं मिलता? सभी के पास तो उतने घंटे, 24 घंटे, आपके पास 24 घंटे, मेरे पास 24 घंटे, उसके पास जिसकी रैंक 1 आई, उसने क्या किया डिफरेंट? ही अंडरस्टूड द लॉ ऑफ सैक्रिफाइस, ही अंडरस्टूड द लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये दो कॉन्सेप्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। नाउ इफ यू हैव डिसाइडेड टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इफ यू हैव ट्रूली ट्रूली मेड दिस योर पैशन, देन यू मस्ट एंश्योर कि ये जो पैशन है टू बिकम अ सीए, दिस इज ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स। अब प्रॉब्लम क्या होती है, और वो मिस्टेक क्या करते हैं? हम ये कहते हैं कि यार टाइम नहीं मिलता, यार मैं पढ़ तो सारा लूं, बाय गॉड, लेकिन बस सोने के बाद उठते हैं, तैयार होते हैं, खाना खाते हैं, जाते हैं लाइब्रेरी, बैठते हैं, सीट ही नहीं मिलती, थोड़ी बहुत लड़ते झगड़ते हैं, उसके बाद जाके सीट मिलती है, पढ़ना शुरू करते हैं, थोड़ी नींद आती है, सोते हैं, शाम को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, थोड़ा सा फेसबुक, एक छोटी सी मूवी, थोड़ी सी चिट चैट, रात होगी टाइम नहीं बचता पढ़ने के लिए। कमाल की बात है। मतलब ये हुआ कि पढ़ कब रहे हो? जब टाइम जो बचेगा ना, ये पूरी की पूरी लिस्ट कंप्लीट करने के बाद जो टाइम बचेगा ना, उसमें मुझे स्टडी करनी है। ये पूरी की पूरी लिस्ट कंप्लीट करने के बाद जो टाइम बचेगा उसमें मुझे स्टडी करनी है। दैट्स द प्रॉब्लम इन योर अप्रोच। योर पैशन, द थिंग दैट यू हैव डिसाइडेड टू अचीव, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इट मस्ट ऑक्यूपाई द नंबर वन स्पॉट। जब आप सुबह उठ रहे हैं, इट मस्ट ऑक्यूपाई द नंबर वन स्पॉट कि आप उठे और आपने पढ़ाई करनी शुरू कर दी। किसी भी और चीज से पहले थिंक इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, थिंक इन टर्म्स ऑफ दिस लॉ ऑफ सैक्रिफाइस। तभी आपको चीज समझ में आएगी कि यस, वाकई माय पैशन मस्ट ऑक्यूपाई द नंबर वन स्पॉट। जब मैं सीए फाइनल में था तो एक अटेम्प्ट में मेरे नहीं हो पाया था। आई वॉज ट्रूली पैशनेट अबाउट बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई रोट अ स्टेटमेंट। समहाउ एक वो स्टेटमेंट मेरे माइंड में आई, देन आई रोट दैट स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट को मैंने इतना बड़ा बड़ा लिख लिया और मैंने वहां चिपका लिया जहां मैं पढ़ता था। एंड दैट स्टेटमेंट सेड, ईदर आई बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और आई डाई ट्राइंग। दिस व्हाट आई सेड टू माय सेल्फ। Can you say it to yourself? Can you dare to say it to yourself? Either I'll become a chartered accountant or I'll die trying. क्या किया मैंने ऐसा बोल के? मैं वो जो attempts है ना, वो जो failures है, उनके ऊपर उठ गया। मैंने कहा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 50 बार भी फेल हुआ ना, it doesn't matter. Either I'll become a chartered accountant or die trying. Can you say it?
Can you say it to yourself? Do you have that passion? Can you say to yourself, either I'll become a chartered accountant or I'll die trying? लोग मुझसे कहते हैं सर ये किस तरह की अप्रोच है, ये किस तरह की अप्रोच है, मतलब करते करते मर जाए वो बेटर है, बड़ी तगड़ी अप्रोच है सर आपकी. That's my approach. That's how I choose to be. That's the importance I give to my passion. एक बड़ी अच्छी आपके साथ स्टोरी शेयर करता हूं, बड़ी पर्सनल स्टोरी है. ये सेमिनार आप लोगों को पता है 25 तारीख को होने वाला था, 25 अगस्त, क्योंकि कोई ऑडी खाली नहीं था, ये भी खाली नहीं था, कोई ऑडी खाली नहीं था. और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क मेरे माइंड में खड़ा हो गया कि यार वाकई ये सेमिनार दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, मतलब हो पाएगा नहीं हो पाएगा. आई रियली वॉन्टेड टू डू दिस सेमिनार फॉर ऑल ऑफ यू, बट क्वेश्चन मार्क रहा कि यार कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ऑडी खाली नहीं है यार, यार पता नहीं बच्चे आएंगे सुनने के लिए नहीं आएंगे, कहेंगे यार. बट देन 21 तारीख के लिए बिकॉज ऑफ द श्राद्ध पीरियड ये ऑडी मुझे खाली मिल गया. मगर इस ऑडी की एक और बुकिंग थी आज ही के दिन की, लगभग इसी टाइम की. देन आई कॉल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड, उसका फोन आया एक्चुअली मेरे पास, एंड वन ऑफ द स्टूडेंट ही एक्चुअली रोट ऑन द फेसबुक वॉल कि सर ये हो भी रहा है या नहीं हो रहा है. आप में से तो नहीं था वो स्टूडेंट, आप में से था क्या? नहीं. वो स्टूडेंट ने वहां फेसबुक वॉल पे लिखा कि यू ऑल नो दैट आई हैव दिस फेसबुक पेज, राइट? राइट. सो उसने लिखा कि सर ये सेमिनार हो भी रहा है या नहीं हो रहा, एंड आई हैव दिस वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, उसने वो पढ़ा और उसने मुझे कॉल किया. उसने कहा कि यार ऐसे कमेंट आ रहे हैं, मतलब आर यू ट्रूली डूइंग इट? मैंने कहा यार 21 तारीख की बुकिंग तो कराई है, बट आई एम नॉट श्योर इफ आई विल बी एबल टू डू इट. उसने कहा अगर 21 तारीख को नहीं कर पाया ना तो जहर की पुड़िया खा लेना, अपनी शक्ल में दिखाना मुझे. आई वाज शॉक्ड. क्या कह रहा भाई? उसने कहा अगर 21 तारीख को ये सेमिनार नहीं किया ना तो जहर की पुड़िया खा लेना और अपनी शक्ल में दिखाना मुझे. एट दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस. ईदर यू गेट एवरीथिंग और नथिंग, दैट्स इट. ईदर आई विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और आई विल डाई ट्राइंग. दैट्स द काइंड ऑफ अप्रोच यू विल हैव टू पुट इन. और ये सेमिनार आज हो रहा है. अगर ये होता ना, अगर वो शायद उस वक्त ही ना बोलता तो शायद ये और पोस्टपोन हो जाता शायद, मगर ऐसा नहीं हुआ. इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट थिंकिंग, बिकॉज योर सबकॉन्शियस इज ऑलवेज लाइफ वर्ड. कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप सो रहे हो, आपका हाथ पकड़ के कोई आग में डाल दे और वो हंसी कराओ. आपका सबकॉन्शियस उसे खींच लेता है एक सेकंड में. योर सबकॉन्शियस इज ऑलवेज लाइफ वर्ड, वो आपको कभी मरने नहीं देता, कभी भी नहीं. दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर सबकॉन्शियस. When you decide to achieve everything or nothing, you always achieve everything. Right, 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 right. So, are you ready for those remaining laws? Sure? नहीं यार रोक देते हैं. अरे रोक देते हैं यार, अगले सेमिनार में कवर कर लेंगे. The next law is the law of a vital few. The law of a vital few. अब ये लॉ ऑफ वाइटल फ्यू क्या कहती है? एक विल्फ्रेड पैरेटो था, ही वॉज एन इटालियन, हाँ इटालियन था वो, और ही डिस्कवर्ड, उसको एकदम से रियलाइज हुआ, ही स्टडीड कि यार 80% ऑफ द लैंड इन इटली वॉज ऑक्यूपाइड बाय 20% ऑफ पीपल. इसके बाद ही वेंट ऑन टू डू अ लॉट मोर सच स्टडीज दैट 80% ऑफ द रिजल्ट्स वर कमिंग फ्रॉम 20% ऑफ कॉसेस. सो ही डिड अ स्मॉल ऑब्जर्वेशन कि 80% ऑफ द थिंग्स वर कमिंग फ्रॉम 20% ऑफ द कॉजेस. अब ये 80-20 रूल, यू नो दिस इज नोन एज 80-20 रूल, द पैरेटो एनालिसिस. ये 80-20 रूल क्या कहता है? 80-20 रूल यही कहता है कि 80% ऑफ योर रिजल्ट्स कम फ्रॉम 20% ऑफ योर कॉजेस, 20% ऑफ योर एफर्ट्स, 20% ऑफ योर टाइम. नाउ आई आस्क ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दिस 80-20 रूल एंड अप्लाई दिस टू योर स्टडीज. हाउ अप्लाई दिस to what you study, apply this to how you study, and apply this to when you study. Teen cheeze hai. Apply to all of these three, this Pareto analysis rule, 80-20 rule. What you study, how you study, and when you study. What you study, aap padhte kya hai? Jab main, again, CA final ke bahut instances hai mere, jaanna chahoge ek aur? सीए फाइनल में जब मैं था तो अपने विजी सर के मॉड्यूल्स, विजी सर से मैंने कोचिंग ली थी और विजी सर के मॉड्यूल्स को मैंने, तो द मॉड्यूल्स वर अमेजिंग, अमेजिंग आज भी है, तब भी थे और हमेशा रहेंगे अमेजिंग. अब मैंने क्या किया, ये बड़ी चाहत होती है कि यार रैंक लेकर के आनी है, और रैंक लाने के लिए आई वॉज रेडी टू डू वट एवर इट टेक्स. तो मैंने क्या किया, मैंने उन मॉड्यूल्स को पढ़ना शुरू किया. उस 9 मॉड्यूल्स से एक समरी मॉड्यूल था, तो मैंने वो जो मॉड्यूल्स थे उनको पढ़ना शुरू किया, मॉड्यूल से पढ़ना शुरू किया मैंने, उन मॉड्यूल्स को मैंने पढ़ा, पढ़ता गया और लगभग 7-8 मॉड्यूल्स मैंने, इनफैक्ट 9 मॉड्यूल्स मैंने कवर कर लिया, ठीक ठीक तरीके से मैंने उनको पढ़ लिया था.
अब जब वो मॉड्यूल्स मैंने कवर किए तो ठीक है, पढ़ाई खत्म हो गई, एग्जाम्स नजदीक आए। एक ब्रेक मिलता है सीए फाइनल में एग्जाम से पहले, एक ब्रेक मिलता है राइट, एक छुट्टी मिलती है, फिर एग्जाम होता है, फिर एक छुट्टी होती है, फिर एग्जाम होता है। डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम से पहले एक छुट्टी थी, उस छुट्टी वाले दिन क्या हुआ वो बताता हूं आपको। उस छुट्टी वाले दिन मैंने पहला मॉड्यूल उठाया उसको मैंने रिवाइज किया, इसके बाद मैंने दूसरा मॉड्यूल उठाया उसको मैंने रिवाइज किया, और दो मॉड्यूल जब तक मैंने खत्म किए उस दिन के जिस दिन छुट्टी थी लगभग 3 बज चुके थे, लगभग 3, सिर्फ 2 मॉड्यूल पूरे हुए थे। जब तक तीसरा और चौथा मॉड्यूल पूरा हुआ 8 बज चुके थे, 8। मैं सिर्फ 4 मॉड्यूल ही रिवाइज कर पाया था, और वो भी तीसरा चौथा थोड़ी स्पीड में, पूरे ढंग से रिवाइज ही नहीं कर पाया था क्योंकि पीछे गैप आ चुका था, वो चीजें याद नहीं थी। जैसे तैसे रात हुई और 1 बजे मैंने पढ़ना बंद किया, और जिस वक्त मैंने किताबें बंद की मैं यूं कांप रहा था, क्यों? क्योंकि सारे मॉड्यूल्स मैं रिवाइज नहीं कर पाया था। लिटरली आई वाज शिवरिंग कि यार कल क्या होगा, कल तो बुरी तरह फेल होने वाला हूं, पहला जो पढ़ा वो बिल्कुल याद नहीं आ रहा और बाकी मॉड्यूल्स अब तक रिवाइज नहीं किया, इतने मोटे मोटे मॉड्यूल्स थे वो। एग्जाम हुई, रिजल्ट आया, मेरे एक फ्रेंड का फोन आया। हाँ नितिन, उसकी आवाज से लग रहा था कि वो फोन क्यों कर रहा है। मैंने कहा मुबारक हो, बोला थैंक्स यार, तेरा? मैंने कहा यार डीटी। अरे यार डीटी? मैंने कहा यार ऐसे पूछ रहा है जैसे तेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई डीटी में। नहीं यार, मैंने कहा यार 9 मॉड्यूल्स पढ़ने में दिक्कत ही नहीं हुई भाई, कौन से 9 मॉड्यूल्स? मैंने कहा यार कल तक सीए फाइनल में था, आज सीए क्या बन गया इसको यही याद नहीं 9 मॉड्यूल्स कौन से भाई। मैंने कहा वीजी सर के 9 मॉड्यूल्स? यार मैंने तो 9 मॉड्यूल से कभी पढ़ाई नहीं करी। मैंने कहा क्या बात कर रहा है, कह रहा यार आई जस्ट फॉलो दी समरी मॉड्यूल एंड दी अमेंडमेंट मॉड्यूल। मुझे चक्कर सा आया और मैंने फोन रख दिया। अरे मैंने कहा यार समरी मॉड्यूल तो मैंने इसलिए नहीं पढ़ा था कि मैं मेन मॉड्यूल्स पढ़ रहा था और अमेंडमेंट मॉड्यूल की तरफ तो ध्यान ही नहीं गया, ये सोचा कि उसमें से आएगा कितना जाए सर 5-10 नंबर का, यार सारे मॉड्यूल्स करूंगा 90 नंबर तो आएंगे। एट दैट मोमेंट इन माई लाइफ आई रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस 80-20 रूल। उस बंदे ने सिर्फ समरी मॉड्यूल किया, सिर्फ अमेंडमेंट मॉड्यूल किया, एंड ही सिक्योर्ड द नंबर ऑफ मार्क्स दैट वाज रिक्वायर्ड टू क्लियर डीटी। और मैंने बाकी मॉड्यूल्स करने की पूरी कोशिश करी उसके बावजूद, इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट इट्स लिटरली इम्पॉसिबल टू रिवाइज दोज 9 मॉड्यूल्स इन वन डे, एटलीस्ट फॉर अ पर्सन लाइक मी आई वुड से। सो देन आई रियलाइज्ड दिस इंपॉर्टेंस ऑफ 80-20 रूल, और उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया कि अगले अटेम्प्ट में तब तक बाकी चीजों पर नहीं जाऊंगा जब तक कि 20% वो जो कॉजेज है जो कि 80% रिजल्ट लेकर के आते हैं उनको कवर अप ना कर जाऊं। ये मैंने डिसाइड कर लिया कि आई विल मेक श्योर कि वो 20% जो चीज है उनको कवर अप कर जाऊं। व्हाट इज दिस 20%? आपकी समरीज हो सकती है, आपके समरी मॉड्यूल्स हो सकते हैं, आपके अमेंडमेंट मॉड्यूल्स हो सकते हैं, इसके अलावा और चीजें जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, आपके स्कैनर्स वेरी इंपॉर्टेंट, विल आई कवर दिस लेटर कि ये स्कैनर्स वगैरह में जो कुछ भी आता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन 20% रिजल्ट्स इन 80% ऑफ योर रिजल्ट्स। तो ये चीजें उस वक्त मुझे समझ में आई, देन आई डिसाइडेड टू अप्लाई दिस 80-20 रूल टू व्हाट आई स्टडी, हाउ आई स्टडी एंड व्हेन आई स्टडी। सो व्हाट यू स्टडी, आप किस चीज से पढ़ रहे हैं, पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे हैं, पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे हैं, उसके ईच एंड एवरी एग्जांपल को सॉल्व कर रहे हैं, क्या जरूरत है? अगर अकाउंटेंसी के अंदर आप एक कॉन्सेप्ट को पकड़ गए तो क्या उसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जरूरी है, या सिर्फ एक बार सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए नेक्स्ट टाइम करने की जरूरत नहीं है? कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया, जो जो उसके अंदर चेंजेस है, जो जो डिफरेंट चीजें आ रही है उनको खाली मुझे कवर अप करना है, पूरी पूरी चीजों करने की जरूरत क्या है? दिस इज हाउ आई यूज टू स्टडी, व्हाट यू स्टडी, अप्लाई दिस रूल टू व्हाट यू स्टडी, आप पढ़ क्या रहे हैं। सेकेंड, हाउ यू स्टडी, वेल विल डिस्कस दिस हाउ यू स्टडी इन द लेटर लॉस। वेन यू स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, योर बॉडी क्लॉक। देर आर टाइम्स इन अ डे वेन यू आर एट योर बेस्ट मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। यू विल हैव टू डिसाइड, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई दैट टाइम जब आप बिल्कुल 100% एक्टिव है। ये सुबह हो सकती है, शाम हो सकती है, रात हो सकती है। वेन यू स्टडी, आप पढ़ते कब है, किस वक्त आप पढ़ रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस वक्त को आपको आइडेंटिफाई करना होगा एंड पुट ऑल योर एनर्जीज इन दैट टाइम, और यू विल सी कि जो चीज आपको मुश्किल लगती है यू विल बी एबल टू कंप्लीट इट विदाउट मच एफर्ट। आइडेंटिफाई दैट टाइम, कब होता हूं मैं अटेंटिव, एट माय अटेंटिव बेस्ट। व्हेन यू स्टडी, आप कब पढ़ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट फॉलो दिस रूल। सर मैं तो फॉलो नहीं करता, मत करो। व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट फॉलो दिस रूल, व्हेन यू डोंट फॉलो दिस रूल यू एंड अप डिवोटिंग टाइम टू थिंग्स That doesn't matter। क्या कभी विजी सर को देखा है हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाते हुए? मैंने नहीं देखा। द लॉ ऑफ वाइटल फ्यू, क्योंकि अगर उसमें से आ भी गया ना तो उतना ज्यादा वेटेज नहीं आएगा। यू विल हैव टू नॉट ट्रेड ऑफ कि मैं इतना एफर्ट दे रहा हूं मुझे उससे रिजल्ट कितना मिलेगा।
ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको खुद को समझना पड़ेगा चीजों को. There is no better wastage of time than to do something very well that need not be done at all. Wow. There is no better wastage of time than to do something very well that need not be done at all. क्या फायदा हुआ? मुझे फायदा हुआ, मैंने वो मॉड्यूल शुरू शुरू के अच्छे से समझ में. Understand this, right, friends? The law of vital few is crucial. Crucial. आपको खुद being mature students will have to yourself understand ki what do I study, how I study and when I study. Aur kis tarike se I use this law of vital few. Everybody, each and every business across the globe is using this principle to achieve success. You can do and you must. You must. When you don't follow this rule, you end up devoting time to things that doesn't really matter. Doesn't really matter. This is the law of vital few. The next law is the law of brevity. Haan ji, law of brevity. The next law is the law of brevity. The law of brevity samajhne se pehle Bruce Lee ki quote hai, wo mujhe badi pasand hai. I just share this quote with you. It is not the daily increase but daily decrease. The height of cultivation always runs into simplicity. Hack away at the unessential. Sir, kya bol gaye? It is not the daily increase but daily decrease. Itna hi pakad lo baas. Hack away at the unessential. Unessential ko utha ke bahar fek do. Pata hai, Bruce Lee ne martial arts ki ek is tarah ki wo izad kiya tha, usne martial arts ki ek is tarah ki field jisme sirf ek basic minimum kuch fight ke wo the, kuch ghuse, kuch laate, kuch muke, kuch is tarike ke the ki wo agar koi master kar jaye to wo martial arts master kar jata tha. Us waqt Bruce Lee ne ye quote kahi thi ki it is not the daily increase. Bruce Lee ne ek bar kaha tha ki I don't fear a man who has mastered 10,000 kicks one time, but I fear the man who masters one kick 10,000 times. It is the law of brevity. Kitna aap bilkul nichod sakte hain cheez ko aur usko acche se taiyar kar sakte hain, usi mein har cheez ka saar hai. Scientists pehle kya karte the, they used to study badi badi cheeze. Wo pahad pe jate the aur pahad ko tod karke usme khodne lagte the yaar iske andar kya hai. Samudra pakadte the, usme khojte the ki isme kya hai. Iske alawa wo koi aur dharti pe dekhte the ki acha isme kya hai. Iske alawa kisi aur cheez ko pakadte the, isme kya hai. Now this is not happening. What is happening? Quantum physics. Now quantum physics is happening. What is quantum physics? Study of the tiniest of matter called atom. जो कि उन सभी चीजों में मौजूद है. आप मुझे बताओ, अगर मुझे पूरे समंदर की प्रॉपर्टीज को समझना हो तो क्या पूरे समंदर को समझना जरूरी है या उसकी एक बूंद को निकाल करके उसकी ढंग से आरएनडी कर लूं? बताओ मुझे. इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स, द लॉ ऑफ ब्रीविटी. आपको यह समझना पड़ेगा, यू नो मूव बैकवर्ड. कहां से? कल मेरा एग्जाम है, आज मेरी छुट्टी है. क्या आज मेरे पास उतना मटीरियल है जो मैं रिवाइज कर पाऊंगा? आज के दिन में उतना मटीरियल है मेरे पास? आपको वहां से उल्टा चलना पड़ेगा, बैकवर्ड, कि आज मुझे इतना मटेरियल चाहिए जो मैं रिवाइज कर सकूं. अब मुझे 10 दिन पहले, आज मुझे इतना मटेरियल चाहिए जो मैं रिवाइज कर सकूं. 10 दिन पहले वो इतना हो सकता है, उसके थोड़े दिन पहले इतना हो सकता है, लेकिन आज ये इतना है. मुझे यहां से यहां तक का सफर तय करना है. दिस इज व्हाट लॉ ऑफ ब्रीविटी इज. आपको इस चीज को, ये जो आपका सब्जेक्ट है इस समय, इतनी किताबें, इतने कॉन्सेप्ट, इतने क्वेश्चन आंसर्स, एवरीथिंग, उसको आपको यहां लेकर के आना है. और जब आप उसको इस छोटे लेवल पर ले आएंगे, यू विल बी एबल टू रिवाइज इट. और आराम से उसको जब रिवाइज करोगे, यू विल गिव द एग्जाम कॉन्फिडेंटली एंड यू विल क्लियर. मेरी तरह हाथ पर धूझेंगे नहीं आपके. इस एक्सपीरियंस से अगर सीख जाओगे तो. दिस इज द लॉ ऑफ ब्रीविटी. इट इज नॉट द डेली इंक्रीज बट डेली डिक्रीज. द मोमेंट यू टेक एडमिशन इन अ कोर्स, डोंट बी इन हारी. जल्दबाजी मत करो. डोंट बी इन हारी. जल्दबाजी मत करो कि यार आज ही से पढ़ाई करनी शुरू कर देता हूं. आई यूज टू मेक दिस मिस्टेक. मैं जैसे सीए के इंटर में मैं जब गया था, तो मुझे जो भी समझ में आया इंटरनेट पे देखा, अच्छा यार ये किताबें उठा के ले आया, पढ़ना शुरू कर दिया. जिससे भी सुना, अच्छा ये टीचर गया और कोचिंग लेना शुरू कर दिया. लेटर ऑन आई रियलाइज्ड ये किताबें तो कोई पढ़ता ही नहीं है. तो इस टीचर का नाम तो किसी ने सुना ही नहीं. ये कर क्या रहा हूं मैं? यू मेक दिस मिस्टेक. दोज हु फेल टू प्लान, प्लान टू फेल. इफ यू आर नॉट प्लानिंग वेल एनफ, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट विल इंश्योर कि तुम उस चीज को न पा सको जो तुम पाना चाहते हो. This is the first thing. Now, the moment you take admission in a course, you will have to ensure ki aap, you finalize, you zero in on the amount, on the books that you will follow, the teachers jisse ki aap coaching loge. Sir, ye pata kis se kare? To know the road ahead, ask those coming back. As simple as that. To know the road ahead, ask those coming back.
भाई तू सीए फाइनल में पास हो गया? हाँ यार, मैं तो भाई कौन कौन सी किताबें पढ़ता था, ये किताबें पढ़ता था, गुड, मेक अ लिस्ट ऑफ इट। भाई साहब आप भी पास हो गए? हाँ जी। किताबें कौन सी पढ़ते थे? ये वाली। और आप? मैं भी हो गया। किताबें कौन सी? ये वाली, सीए क्लब इंडिया। हाँ जी, कोई बताएगा कौन सी किताबें अच्छी है? ये वाली। अच्छा फेसबुक, हाँ जी, कौन कौन सी अच्छी है? ये वाली। नाउ अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज, एक मैटर तैयार करो। अच्छा ये किताबें कॉमन है, बेस्ट किताबें, ये टीचर्स कॉमन है, बेस्ट टीचर्स है, गो विद देम। इट डजंट रियली मेक सेंस कि आप एक रास्ते पर चल पड़ो एंड देन यू रियलाइज, ओहो यार तो रास्ता ही गलत था। यू क्लाइम द रॉन्ग माउंटेन एंड देन यू रियलाइज, अरे यार तो माउंटेन ही गलत था, गलती हो गई। डोंट डू दिस मिस्टेक। द लॉ ऑफ ब्रीविटी सेज वंस यू प्लान अबाउट द बुक्स अबाउट द टीचर्स फ्रॉम होम यू विल बी टेकिंग कोचिंग एंड वेन यू डिसाइड अबाउट द बुक्स फ्रॉम विच यू विल बी स्टडिंग, वहीं पर फुल स्टॉप लगा दो, ताला लगा दो कि अब इससे ज्यादा नहीं करना। इट्स नॉट द डेली इंक्रीज, रिमेंबर, उसको अब पढ़ाना नहीं है। डिसाइड कर लिया ना, प्लान कर लिया, समझ लिया, अच्छे से सोच समझ के डिसीजन ले लिया, दीज आर दी बुक्स दैट आई विल बी फॉलोइंग, उन बुक्स को बेस बना लो और उन बुक्स को फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स कैसे प्रिपेयर समरी नोट्स। एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसको समराइज कर जाओ एक चीज के अंदर, समराइज इट। और जब उसको समराइज करोगे, इतना बड़ा इतना हो गया, छोटा हो गया ना वो। दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट। मैं पर्सनली क्या करता था, जब मैं किसी थोड़ी सब्जेक्ट को पढ़ता था तो A4 साइज का पेज लेता था, उसको बीच में से फाड़ता था, उसको साइड से फाड़ता था, एक दो तीन चार हिस्से बनते थे, कॉर्नर को स्टेपल करता था और उसके ऊपर मैं समरी नोट्स बनाता था, उसको फोल्ड करता था और जेब में रख के घूमता था। दिस इज हाउ यू टू स्टडी द थ्योरी सब्जेक्ट्स, इनफैक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी। जब वो छोटा है तो मुझे डर नहीं लगेगा उससे, मैं आराम से उसको पढ़ पाऊंगा, अदरवाइज उससे डर लगेगा। Once you plan, once you decide on the books, go ahead and reduce the content. Reduce this content to an irreducible minimum. कि सर इससे कम नहीं हो पाएगा. This is the bare minimum that I can do. और उस bare minimum को पढ़ना शुरू करो. Our memory works in chain system. The nervous system, the memory, the brain cells, they work in chain system. एक chain को पकड़ाओगे वो chain पूरी की पूरी आपको recall करवा देगा. We discuss about this in the other laws. The law of brevity says, एक बार अगर आपने बुक पकड़ ली, उसको समराइज करो, उन समरीज के ऊपर जीना है आपको, और उसको फर्दर समराइज करना है टू मेक इट द बेयर मिनिमम दैट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर। हैक अवे एट द अनएसेंशियल, इट्स नॉट द डेली इंक्रीज बट डेली डिक्रीज। हैक अवे एट द अनएसेंशियल, जो अनएसेंशियल उठा के बाहर फेंक दो, नहीं चाहिए। इट्स जस्ट द बेसिक, द बेयर मिनिमम दैट यू विल सर्वाइव विद। क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले जो एक छुट्टी, थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट, 7 एग्जाम आप देकर के आए हो, 8वें एग्जाम से एक दिन पहले आप इतना सारा रिवाइज कर पाओगे? नॉट पॉसिबल। यू आर मेंटली फिजिकली इमोशनली एग्जॉस्टेड। अगर उस दिन रिवाइज नहीं किया तो मारे जाओगे, क्यों याद नहीं आएगा? रिवाइज करना जरूरी है। क्या रिवाइज कर पाओगे? कुछ ब्रीफ होता तो राहत मिल जाती आपको। दिस इज द लॉ ऑफ ब्रीविटी। जब मैं पढ़ता था तो एक अकाउंटेंसी की बुक थी उस टाइम पर, इतनी मोटी थी, बहुत मोटी बुक थी। उसे जब मैं उसको खोलता था तो मुझे ये डर लगता था, यार इतनी बची है और इतनी सी करी है। मैं और करता था, इतनी करी है इतनी बची है, मतलब इट यूज टू स्केयर मी। एक दिन पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने उस किताब को पकड़ा और मैंने उसको फाड़ दिया। सर किताबें फाड़ना बुरी बात होती है? नहीं, वैसे नहीं फाड़ा, मैंने उसको चैप्टर बाय चैप्टर फाड़ दिया। मैंने उसको चैप्टर बाय चैप्टर फाड़ दिया, स्टेपल कर दिया, छोटी छोटी कर ली, इतनी पतली पतली बुकलेट्स मैंने उसकी बना ली। अब उसको कैरी करना आसान था, उसको पढ़ना आसान था, उसको समझना आसान था, और वो साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं था कि यार इतना मोटा पुलिंदा अभी बचा हुआ है करने के लिए। वो घर पे पड़ा था, उसकी टेंशन नहीं थी मुझे, सिर्फ वो एक छोटी सी चीज थी जो मुझे पढ़नी थी। अंडरस्टैंड दिस। नाउ व्हेन द बुक्स स्केयर यू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, इफ अ बुक स्केयर यू, जस्ट रिप इट अपार्ट, रिप इट अपार्ट। ये मैं सोचना कि सर विद्या है, ये क्या करवा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, विद्या ये नहीं कहती कि आप उससे डरो, विद्या ये कहती है कि आप उसको समझो। Right? This is the law of brevity. By the way, this strategy is known as salami slice strategy. Salami slice strategy. So can we apply all these laws to a course like a CS? CS. Who is stopping you? Na main, na laws. Aur aapko khud bhi nahi rokna chahiye. Dosto, ye laws sirf CA pass karne ke liye nahi hai. The name of the book is the 7 laws of clearing CA final. That's exactly what I was asking that. Right. So, I'm sorry. Okay. So, the name of the book is the 7 laws of clearing CA final. Pata hai maine kyun iska naam CA final likha tha? Kyunki us waqt mujhe aisa lagta tha ki yaar ye jo law of belief, conscious, subconscious, beliefs, reality, law of love,
यार शायद बच्चे कहेंगे कि यार समझ नहीं आ रहा, कुछ मजा नहीं आया, मतलब कुछ क्लियर नहीं हुआ. इसीलिए आई थॉट कि यार सीए फाइनल के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, दे आर एटलीस्ट कंपैरेटिवली मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड लॉज लाइक द लॉ ऑफ बिलीव, लाइक द लॉ ऑफ लव. इसीलिए आई डिसाइडेड टू नेम दिस बुक एज अ सीए फाइनल बुक. अदरवाइज फ्रेंड्स, स्टूडेंट ऑफ एनी कोर्स विल फाइंड द लॉज नॉट जस्ट यूजफुल बट रियली ग्रेट, रियली रियली ग्रेट. आप मुझे बताइए, जो कुछ मैंने डिस्कस किया अभी तक, क्या ये सिर्फ सीए फाइनल पे अप्लाई करता है? क्या ये सिर्फ सीए इंटर पे अप्लाई करता है? क्या ये सिर्फ सीए कोर्स पे अप्लाई करता है? नॉट एट ऑल, डेफिनेटली नॉट. लॉ ऑफ बिलीफ को यूज करके क्या आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन सकते? सर आप कहते हो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस से रियलिटी. अगर ये सच्चाई होती तो मैं सीए एग्जाम पास होता, करोड़पति बन जाता. क्या लगता है आपको करोड़पति और कैसे बनते हैं? ऐसे ही तो बनते हैं दोस्तों, ऐसे ही तो बनते हैं. क्या लगता है आपको सर, अगर ये सच्चाई होती तो मैं दूसरा विजय माल्या होता. कौन रोक रहा है आपको? यही वो तरीका है जिससे आप बन सकते हो. चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ. डेफिनेटली दोस्त, डेफिनेटली यू कैन अप्लाई दिस लॉज टू योर सीएस, टू एनी अदर कोर्स, ICWA, एनीथिंग, एनीथिंग. लॉ ऑफ बिलीफ, लॉ ऑफ लव, लॉ ऑफ ब्रीविटी, लॉ ऑफ हार्डवर्क. What are these laws? These are universal laws. Universal laws. ये तो आपको तैयार करेंगे completely. Right? So, fine? और कोई question? Any other question? Any other question, friends? If not, then are we ready to move ahead with the next law, which is the law of revision? The law of revision says, the only way to remember something is by revising it. Now let's understand this revision. ये revision क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं. इसको थोड़ा scientifically समझना पड़ेगा revision को. ये सिर्फ सर बचपन से सुनते आ रहे हैं revise करो, revise करो, revise करो. मतलब अगर ये revision का पंगा ना होता ना तो मैं studies को मैं बहुत प्यार करता, literally. मुझे सिर्फ एक ही चीज से नफरत है, वो है revision. जहां जाते हो टीचर कहते हैं घर जाके revise करो, जहां जाते हो एक ही चीज सुनाई देते हैं revise करो. कभी किसी ने ये नहीं समझाया आपको कि revise क्यों करो. आज मैं समझाता हूं आपको कि revise क्यों करो. और आपको जब ये क्यों समझ में आएगा ना, क्यों, तब आपको एकदम चीजें क्लियर हो जाएगी कि क्यों, why exactly do you need to revise something? What is revision? Revision is rereading a topic so as to memorize it. What is revision? Revision is rereading, दोबारा से उस चीज को पढ़ना. Revision is rereading something so as to memorize it. This is revision. Now before we move ahead, understand this thing. You have two types of memories. One is short-term memory, another is long-term memory. शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीजें बहुत शॉर्ट टर्म टाइम के लिए रहती हैं. नाउ योर माइंड हैज टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेमोरी, वन इज शॉर्ट टर्म मेमोरी, वन इज लॉन्ग टर्म मेमोरी. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप एक पार्टी में गए, पार्टी में जाकर एक अनजान आदमी से आपको मिलवाया गया, उसने कहा हेलो माय नेम इज दिस, यू कैन राइट माय नेम इज दिस. थोड़ी देर बाद आपने देखा वो आदमी खाना खा रहा है, उसको आप देखते हुए सर गुजारते हो कि यार इसको देखा तो था, इसका नाम याद नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं याद आ रहा. दूसरी तरफ मैं आपसे कहता हूं कि यार आप में से क्या कोई खड़ा होकर के पांच का पहाड़ा, पांच की टेबल मुझे सुनाएगा? सारे हाथ खड़े हो जाएंगे, सर हम सुनाएंगे. यार ये क्या फंडा है कि एक आदमी को 10 मिनट पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया, नाम याद नहीं है, पांच की टेबल बचपन में याद की थी अभी तक याद है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड योर लॉन्ग टर्म मेमोरी. जब आप एग्जाम में बैठे होते हो और आप किसी टॉपिक को, जैसे कोई क्वेश्चन आता है उसके टॉपिक पर आपकी नजर, ओहो यार ये पढ़ा था, अरे यार सच कह रहा हूं मैंने पढ़ा था, ओहो ये याद ही नहीं आ रहा, बड़ी कोशिश करते हो और जितनी कोशिश करते हो उतना भूलते जाते हो, अरे यार आसपास में नहीं फटक रहा, पता नहीं क्या, अरे यार आज तो गए. पता है होता क्या है, दिस इज योर शॉर्ट टर्म मेमोरी. आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर चीजें बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहती है, बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं रहती, बहुत छोटे समय के लिए रहती है. व्हाट एवर यू रीड, हाउ मेनी ऑफ यू रीड न्यूज़पेपर्स डेली? यू रीड न्यूज़पेपर्स डेली, अगले दिन याद रहता है कल क्या पढ़ा था? डजंट हैपन. क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर वो चीजें रहती हैं और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जाती ही नहीं है. योर मेमोरी इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म्स, वन इज शॉर्ट टर्म मेमोरी, अदर इज लॉन्ग टर्म मेमोरी. लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चीजें शॉर्ट टर्म मेमोरी से ही जाती हैं, लेकिन कब जाती हैं? व्हेन यू रिवाइज इट, व्हेन यू रिविजिट. अब एक बात बताओ, अगर मान लो जैसे ऑब्वियसली डेफिनेटली ब्रेन की कोई अंत सीमा नहीं है, यू कैन स्टोर एन नंबर ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इन योर ब्रेन, उसकी कोई लिमिट नहीं है. बट द पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं आपका माइंड इज डिजाइन्ड इन सच अ वे कि वो डिसाइड करता है, डिटरमिन करता है किस चीज को मुझे परमानेंटली स्टोर करना है और किस चीज को मुझे सिर्फ टेम्पररीली स्टोर करके बाहर फेंक देना है, मुझे इसको स्टोर नहीं करना है. ये आपका माइंड करता है. दिस इज ऑल हैपनिंग एट योर सबकॉन्शियस लेवल. कॉन्शियसली इतना सब कुछ नहीं चलता, आपको रियलाइज नहीं होती ये चीजें. सो व्हाट हैपेंस इज आपने किसी चीज को पढ़ा, पढ़ते ही वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में गई.
कुछ घंटों के लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है. इफ यू डोंट रीविजिट, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती नहीं है और इवेपोरेट हो जाती है आपकी माइंड से, एंड यू आर नॉट एबल टू रिकॉल इट. जब भी कोई चीज आपने पढ़ी हो और वो आप रिकॉल ना कर पाओ, मान लेना कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में थी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में गई नहीं और वो दिमाग से उड़ गई. सर ये तो समझा दिया, अब ये भी तो बताओ लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके कैसे जाए. रिविजन मेरे दोस्त, रिविजन. रिविजन इज द ओनली वे जहां से कि आप चीजों को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करते हैं. ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, इट हैपन्स विद रिविजन, एंड रिविजन इज द ओनली वे. दिस इज द ओनली वे विद विच यू कैन ट्रांसपोर्ट समथिंग फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म. अब आप मुझे बताइए, अगेन कमिंग बैक टू द सेम, अच्छा शॉर्ट टर्म मेमोरी में कितने टाइम के लिए रहती है चीजें? जस्ट फॉर अ कपल ऑफ आवर्स, इससे ज्यादा नहीं रहती. जस्ट फॉर अ कपल ऑफ आवर्स, इससे ज्यादा नहीं रहती है. लॉन्ग टर्म मेमोरी में कब तक रहती है? जब तक आप चाहो. इनफैक्ट दे आर स्टोर्ड परमानेंटली, परमानेंटली. इट ऑल डिपेंड्स हाउ ऑफन डू यू रिविजिट इट. इसीलिए रिविजन जरूरी होती है. गिरिराज अजमेरा का मैंने इंटरव्यू लिया था अपने बुक के लिए और उन्होंने मुझे एक जबरदस्त बात बताई. मैंने कहा यार ऐसा क्या चीज थी आप में जो मतलब यू गॉट रैंक फॉर, मतलब ऐसा क्या किया? उन्होंने कहा सर कुछ खास नहीं, बस जो कुछ भी कल पढ़ता था उसको अगले दिन रिवाइज कर लेता था. तो मुझे समझ में नहीं आया. मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ ऐसा करने से इतना जबरदस्त रिजल्ट मिल सकता है क्या? आई डिड अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च और उस रिसर्च को करने में मैंने ये सोचा, मैंने कहा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइंटिफिक फैक्ट जरूर होगा इस चीज के पीछे कि कहीं ना कहीं जब आप रिवाइज करते हो, जब आप कल की चीज को आज रिवाइज करते हो तो यू मेक अ ह्यूज डिफरेंस. द आंसर इज यस, एब्सोल्युटली. इट इनडीड मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज. हर्मन एबिग्नॉस वॉज एन जर्मन साइकोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड, व्हाट डिड ही डिस्कवर? द फॉरगेटिंग कर्व. He discovered the forgetting curve. You forget? Forgetting curve. उसने एक forgetting curve उसने इजाद किया और उस forgetting curve में उस बंदे ने एक जबरदस्त revolution किया. It literally revolutionized the entire education system across the world. But somehow कहीं ना कहीं वो इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है. We are not taught about these concepts. That's truly unfortunate. We teachers tell a student to go ahead with revision without telling him why do you need this revision. Yaar, why do I need to do what you expect me to do? Ye to batao pehle. Very important. Forgetting curve says you forget 80% of what you learn within 24 hours. Wow. My God. When I first came to know about this concept, I was blown away. You forget 80% of what you learn within 24 hours. My God, आज तक मुझे इस चीज का पता नहीं था यार. मैं आज जो कुछ पढ़ रहा हूं, मैं सोचता था मैंने पढ़ लिया, छुट्टी खत्म, और अगले दिन मुझे वो याद नहीं आता था. एक बार मैंने क्या किया, अगेन वही कॉस्टिंग का एग्जाम्पल, जब वो मुझे लगने लगा था कि हाँ भाई अब तो नाउ कॉस्टिंग इज माई वेरी वेरी गुड सब्जेक्ट, मैंने कॉस्टिंग की बुक को उठाया, संजय अग्रवाल सर की, और उठा करके मैंने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से आखिरी चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन तक सारा सॉल्व कर दिया. It took me almost 18 days. 19वें दिन जब पहले क्वेश्चन पे आया ना, तो वही हालत हुई जो डीटी के टाइम हुई थी. मैंने कहा यार ये क्या है, रिकॉल ही नहीं हो रहा, ये क्या पढ़ना है. मैंने कहा कोई बात नहीं, दूसरे चैप्टर देखता हूं. मैंने उसको उठा करके पढ़ना शुरू किया, बिल्कुल दिमाग में नहीं आया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है. फॉरगेटिंग कर्व वॉज द रीजन. यू फॉरगेट 80% ऑफ वॉट यू लर्न विद इन 24 आवर्स. एंड आई वॉज ट्राइंग टू रिविजिट दोज थिंग्स आफ्टर 19 डेज. हम में से कई लोग ऐसा करते हैं यार. ये क्या नाम बताया, सीका, ऐसा ही सी है इसका. हम में से कई लोग ऐसा करते हैं, इसका की बुक उठाते हैं, मैं तो 7 दिन में खत्म कर दूंगा यार, 7 दिन में. अरे बात वो नहीं है 7 दिन में खत्म कर दोगे, बात ये कि 8वें दिन कितनी याद रहती है. और वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे भी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम के दिन कितनी याद रहती है. आप ये बताओ मुझे, यू फॉरगेट 80% ऑफ व्हाट यू लर्न विद इन 24 आवर्स. दोस्तों इट्स सच एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट. आप सोच के देखो, आपने 24 घंटे में रिवीजन नहीं करी, दैट मींस 80% ऑफ व्हाट यू लर्न, उस 80% के अंदर क्या क्या गया था? योर टाइम, योर एफर्ट. इफ यू डोंट रिवाइज समथिंग विद इन 24 आवर्स, 80% ऑफ योर टाइम, योर एफर्ट इज गॉन. माई गॉड, मैंने एक कॉन्सेप्ट को पढ़ने में 10 घंटे लगाए, मैंने उसको रिवाइज नहीं किया, आफ्टर 24 आवर्स 8 घंटे की पढ़ाई मेरी बर्बाद. दिस इज व्हाट द फॉरगेटिंग कर्व सेज. माय गॉड, हाउ कैन आई अफोर्ड टू इग्नोर दिस कॉन्सेप्ट? कैन आई अफोर्ड टू इग्नोर इट? टेल मी, कैन यू अफोर्ड टू इग्नोर दिस? इम्पॉसिबल, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल. यू फॉरगेट 80% ऑफ व्हाट यू लर्न विद इन 24 आवर्स. इसको लिख लो और इसको छाप लो अपने दिमाग में. फॉरगेटिंग कर्व सेज यू फॉरगेट 80% ऑफ व्हाट यू लर्न विद इन 24 आवर्स.
So what is the solution to this forgetting curve? Just revision? No, not just revision. Systematic revision. Perfect? Perfect? Friends, this is the law of revision. You forget 80% of what you learn within 24 hours. That's the beautiful concept. What a beautiful concept. Are you ready to go to another law? Are you ready to go to another law? Yes, sir. Friends, are you really ready to go to another law? Yes, sir. Good. So the next law is the law of retention. The next law is the law of retention. एक बार मैं ऐसे ही गूगल कर रहा था तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स पे मेरी नजर गई. मैंने देखा यार ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब देखते हैं जरा क्या क्या करते हैं लोग. तो अचानक से मेरी नजर गई एक इंसान पे जिसने पाई, यू अंडरस्टैंड पाई, पाई की 36,000 डिजिट्स तक आफ्टर डेसिमल उसको वो याद है पाई की वैल्यू. ओह माय गॉड, आई सेड दैट्स इम्पॉसिबल. नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल. थोड़ा सा आगे गया, इंडिया का एक बंदा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के 80,000 वर्ड्स पेज बाय पेज उसको याद है. अरे यार कोई और काम नहीं है इनको, मतलब रटते ही रहते हैं. देन आई केम अक्रॉस दिस बुक, हैरी लॉरेन, हाउ टू डेवलप सुपर पावर मेमोरी. अचानक ही मेरे सामने वो किताब आ गई. उस किताब को मैंने पढ़ा और जैसे उस किताब को पढ़ा मुझे समझ में आया यार इतना आसान है. ओ माय गॉड, मैंने कहा इतना आसान है, मतलब ये चीजें छुपी हुई है लोगों से, अभी तक पता ही नहीं है लोगों को कि यार इस तरीके से चीजों को याद रखना है. अमेजिंग. इट्स ट्रूली अनफॉर्चुनेट कि ये चीजें हमें बताई नहीं जाती, बट वी आर रियली लकी कि ऐसी चीजें हमें अब बताई जा रही है. इजंट इट परफेक्ट. वो किताब को मैंने पढ़ा और वहां से मुझे पता चला कि यार चीजें माइंड में रिटेन कैसे होती. यू शुड बी वेरी इंटरेस्टेड इन दिस कॉन्सेप्ट. देखो आप सब स्टूडेंट्स हो, आप सब पढ़ते हो, चीजों को पढ़ते हो, उनको याद रखते हो, एग्जाम देते हो, रिजल्ट आता है तो सीए बन. दिस एंटायर प्रोसेस शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू यू. और अब देखो ये चीजें रिटेन कैसे होती है माइंड में, चीजों को रिटेन करने के पीछे साइंटिफिक हाउ द माइंड एक्चुअली वर्क्स, क्या चलता है पीछे. यू कैन नॉट पॉसिबली रिमेंबर समथिंग दैट यू डू नॉट ऑब्जर्व. अगर आप किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो ना, उसको आप कभी भी नेवर एवर यू कैन रिटेन इट, इट्स इम्पॉसिबल. अच्छा मेट्रो कौन कौन यूज करता है दिल्ली में? मेट्रो यूज करते हो, वो कार्ड है स्मार्ट कार्ड. आपने देखा है जब स्मार्ट कार्ड हम आते जाते एंट्री स्पेशली ऑन एग्जिट गेट जब हम शो करते हैं वो बैलेंस दिखाता है, दिखाता है. हर बार जब बाहर निकलते हो कई बार उस पर नजर पड़ती होगी मगर कभी वो याद नहीं रहता होगा कि वो बैलेंस कितना है. होता है ऐसा? ऐसा कई बार होता है मेरे साथ कि हम उस पे लगाते हैं बाहर निकलते हैं, इट शोज अ बैलेंस. आई सी इट. द पॉइंट इज नॉट दैट आई डोंट सी इट, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू सी एंड व्हाट यू ऑब्जर्व. जब आप किसी चीज को देखते हो वो आपके दिमाग में कभी भी मेमोरी इंप्रेशन नहीं बनाता. इट इज ओनली एंड ओनली बाय ऑब्जर्वेशन. हाउ डू यू ऑब्जर्व थिंग्स? बाय गिविंग योर अटेंशन. अगर अटेंशन दोगे किसी चीज को देन ओनली यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व इट, देन ओनली यू विल बी एबल टू परमानेंटली गिव अ मेमोरी इंप्रेशन टू इट. This is the only way. The true art of memory is the art of attention. How attentive are you? जब आप पढ़ते हो तो जब आप उस किताब को उस कॉपी को उसको जब आप पढ़ रहे हो तो how attentive are you? किस तरीके से वो चीज word by word आपके दिमाग में जा रही है या नहीं जा रही है, या कहीं ना कहीं वो observation ही नहीं है, you are just seeing it. Friends, huge difference between what you see and what you observe. You cannot remember things that you just see. You remember things that you observe, that you attentively observe with all your attention. Very important. तीन तरीके से चीजें आपके माइंड में रिटेन होती हैं. The number one thing is observation. आज के बाद अगर किसी भी चीज को आपको दिमाग में रखना हो तो start observing it. Because if you are not observing it, ना वो आपके माइंड में memory impression create नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं क्रिएट कर रहा है. हम चलते जाते. अच्छा माइंड क्यों रिटेन करेगा? सी माइंड डजंट एक्सेप्ट अननेसेसरी क्रैप, इट डजंट एक्सेप्ट इट. उसको पता है मुझे किस चीज को रखना है किस चीज को नहीं रखना है. द मोमेंट यू गिव योर अटेंशन टू समथिंग द माइंड अंडरस्टैंड्स, बॉस ये इंटरेस्टेड है इस चीज में, फैक्ट इज इंपॉर्टेंट, आई नीड टू स्टोर इट. दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स. यू कैनॉट
रिमेंबर समथिंग दैट यू डू नॉट ऑब्जर्व. इस चीज को बहुत ढंग से समझ लो. अब अटेंशन में प्रॉब्लम कहां आती है? अटेंशन में प्रॉब्लम आती है डिस्टर्बेंस की. द मोमेंट यू स्टार्ट स्टडिंग समथिंग, पूरे का पूरा ध्यान उस चीज पे है, इधर से किसी की आवाज आती है, माइंड कहता है अरे यार ये कहीं इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसको मुझे याद तो नहीं रखना. पीछे से किसी और की आवाज आती है, माइंड अगेन डाइवर्ट होता है, यार वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मुझे वो रखना तो नहीं है स्टोर में. इधर से एक और आवाज आती है, माइंड कहता है यार वो इंपॉर्टेंट. द माइंड इज ऑलवेज वर्किंग, इट्स लाइक अ मशीन. इट्स यू हु विल हैव टू डाइवर्ट, यू विल हैव टू पुट ऑल योर अटेंशन टू समथिंग. सारी की सारी डाइवर्जेंस को, सारी की सारी डिस्टर्बेंसेस को क्लोज आउट करना पड़ेगा. When I realized this concept, I stopped studying in libraries. मैंने घर के दरवाजे बंद किए, कुंडी लगाई और मैं पढ़ने लगा उस रूम में. And I said, I don't really need any sort of disturbances. I understood this concept. When you are focused, picture अपने आप बन रही है. वही 50% effort कम हो जाता है आपका. Observation comes first. Number two is association. आप किस तरीके से चीजों को remember करते हैं? देखो, we all are Indians, but still this language English कहीं ना कहीं ये बड़ी important है. और हम सब इसके लिए कोशिश करते हैं कि यार हमारी vocabulary अच्छी हो, मुझे English आती हो, और हम इसके लिए consciously प्रयास करते हैं. बचपन से तो हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे होते. क्या बोल रहे होते हैं? Do we speak in English? नहीं. We all speak our mother tongue, और हम उसके बाद अपनी English की vocabulary को build करते हैं, then we start speaking in English. अब मैं आपको एक गजब की बात बताता हूँ. How did you build your vocabulary? How did you build your vocabulary? देखो इस पूरे प्रोसेस को समझाता हूं, आपको ढंग से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं. The second way, second step in which you remember something is by association. How this association works, let me explain this with the help of an example. Vocabulary कैसे build करते हो आप? You come across an English word जिसका आपको 1% भी मतलब नहीं पता. It has no memory impression in your mind. यार इसका मतलब क्या? You don't know at all. What do you do? मैं आपसे पूछता हूं यार इसका मतलब क्या? You say I don't know. What do? You refer a dictionary. और उस dictionary में आप ढूंढते हो उस word को. आह, मिल गया. What are you interested in? कि इसके आगे क्या लिखा हुआ है? वो जो आगे लिखा होता है, जिसको आप और मैं meaning के नाम से जाते हैं. What is that meaning? That meaning is a set of words जो कि already आपके mind में stored है. And then what do? You say इस unknown meaning का मतलब ये known होता है. You associate this unknown with this known. और वो unknown भी नोन बन जाता है. इज दिस द प्रोसेस और नॉट? देखो इस चीज को अगर समझ जाओगे तो कुछ भी अननोन कभी पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, स्पेशली डेट सीका, इसका उसका जो भी है. हाँ वो जो भी है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको. उसमें बहुत सारे अननोन चीजें हैं, भयंकर अननोन चीजें. वी आर फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड एंड दैट इज आईटी, वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी नॉर्मली स्टडी, वेरी डिफरेंट. क्या है प्रोसीजर? अननोन, यू एसोसिएट इट विद समथिंग नोन, यू गिव मीनिंग टू इट. अगर उसका वो मीनिंग ना होता, कुछ और मीनिंग होता ना, आप उसको उस चीज के साथ जोड़ देते. दिस इज द लॉ ऑफ एसोसिएशन. यू रिमेंबर समथिंग अननोन ओनली व्हेन यू एसोसिएट इट विद समथिंग नोन. ये नोन के साथ एसोसिएशन जरूरी है. द थर्ड, अच्छा इसके लिए ये जरूरी है कि आप ये समझो कि यार हाउ आर मेमोरी फंक्शंस. यू नो आर मेमोरी फंक्शंस Like a chain. अगर सपोज अभी मैं आपको बोलूं कि एकदम से याद करो कि पिछली दिवाली पर या कोई भी एक दिवाली का इंस्टेंस याद करो, तो होगा क्या? आपको दिवाली का इंस्टेंस याद आएगा. क्या क्या इंस्टेंसेस? फॉर एग्जाम्पल कुछ मिठाइयां दिखेंगी, कुछ आपको नजर आएंगे कि हाँ पटाखे थे, कुछ फ्रेंड्स इकट्ठे थे, फैमिली मेंबर्स इकट्ठे थे, दिए थे, कहीं ना कहीं नए कपड़े थे, बहुत ही फेस्टिव माहौल था. उसमें 1% भी आपको ये याद नहीं आएगा कि यार बचपन में मेरी क्लास टीचर ने मुझे थप्पड़ मारा था, ये याद नहीं आएगा. लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि यार वो इंस्टेंस याद करो जब आपको स्कूल में आपकी क्लास टीचर ने थप्पड़ मारा था, आपको 1% भी ये याद नहीं आएगा कि आपने दिवाली में मिठाई खाई थी. दिस इज ऑल टूगेदर डिफरेंट. नाउ द माइंड वर्क्स लाइक चेन. मैं आपको बोलता हूं स्कूल इज अ कीवर्ड, इसके बारे में सोचो, आप स्कूल से जुड़ी हुई चीजों को सोचना शुरू कर दोगे. ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू स्कूल. दिस इज हाउ योर माइंड वर्क्स, चेन सिस्टम. ये चेन उस चेन से जुड़ी हुई नहीं है जो दिवाली वाली चेन है. दैट चेन इज एंटायरली डिफरेंट चेन. इफ यू एप्रिशिएट दिस कॉन्सेप्ट, मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट. योर मेमोरी वर्क्स लाइक चेन. एसोसिएट करते जाओ चीजों को, यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट. अननोन को नोन के साथ जोड़ते जाओ, स्टार्ट मेकिंग अ चेन ऑफ दोज वर्ड्स. एक चेन को पकड़ोगे, पूरी की पूरी चेन आपको याद हो जाएगी.
ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. ये जो लॉ ऑफ रिटेंशन है ना, ये जो सब्जेक्ट है ना आपका आईटी वाला, इसने मुझे बहुत दुखी किया था. लेकिन जब मुझे लॉ ऑफ रिटेंशन का पता लगा ना, मैंने इसकी खूब दुनाई करी. मैंने तीनों फंडे लगा दिए, ऑब्जर्वेशन, लॉ ऑफ एसोसिएशन एंड द थर्ड लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन. और इस विजुअलाइजेशन के साथ, एसोसिएशन के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ, तीनों को मैंने एक बॉक्स में डाला और उस बॉक्स के ऊपर ठप्पा लगाया लॉ ऑफ रिविजन का. व्हाट इज विजुअलाइजेशन? क्रिकेट का मैच की कमेंट्री रेडियो पे सुनना पसंद करते हो या टीवी पे देखना पसंद करते हो? क्यों? इट अपील्स टू योर विजुअल सेंसेस. जब ये आपके विजुअल सेंसेस को अपील करती है, यू आर बेटर एंटरटेन्ड. यू आर एबल टू रिमेंबर इट बेटर. किसी भी चीज को अगर आपको याद रखना है, अगर आप वो इंपैक्ट आपके माइंड में वही चीज डालती है जिसको आप देखते हो. और रिमेंबर लॉ ऑफ बिलीफ में क्या कहा था मैंने, योर माइंड डजंट अंडरस्टैंड बिटवीन व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज इमेजिनरी. अगर कोई चीज रियल नहीं है, इफ यू मेंटली मेक अ पिक्चर ऑफ इट एंड देन यू एक्चुअली सी दैट पिक्चर, वो आपके माइंड में छप जाती है एकदम. एंड यू आर एबल टू रिकॉल इट, यू आर एबल टू रिटेन इट. जब घर जाओ और इस सेमिनार की चीजों को याद करना हो ना, तो पॉइंट याद करने की कोशिश मत करना, इमीडिएटली दिमाग के अंदर इस सेमिनार की पिक्चर को लेकर के आना कि यार वो सर किस तरीके से स्टेज पे बोल रहे थे और हम किस तरीके से सुन रहे थे, क्या लाइटिंग थी, क्या माहौल था. और तब आप एकदम से रिकॉल होगा कि उसी टाइम उन्होंने वो कहा था, वहां से चेन बनेगी ये कहा था, वहां से चेन बनेगी ये कहा था. दिस इज हाउ योर मेमोरी वर्क्स. द लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन सेज यू, व्हेन यू विजुअलाइज थिंग्स, जब आप चीजों की पिक्चर देखते हैं, यू आर एबल टू रिटेन देम इन अ बेटर वे. वो आप बहुत बेटर तरीके से रिटेन कर पाते हैं चीजों को. अब वो जो आपका सब्जेक्ट आईटी वाला, उसमें मैंने क्या किया, बिफोर दिस लेट्स अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्रैमिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. यू नो व्हाट इज क्रैमिंग. क्रैमिंग मतलब रट्टाफिकेशन, राइट? वी ऑल डू दिस रट्टाफिकेशन, करते हैं ना. अब रट्टाफिकेशन में और अंडरस्टैंडिंग में क्या डिफरेंस है बताता हूं. अंडरस्टैंडिंग उसी प्रोसेस का नाम है जिससे कि आप वोकैबुलरी बिल्ड करते हो, अननोन को नोन के साथ जोड़ते हो, समझते हो, कॉन्शियसली आप समझते हो कि यस दिस इज द मीनिंग ऑफ इट. यू गिव मीनिंग टू समथिंग और वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाती है. व्हाट इज रट्टाफिकेशन? कुछ पॉइंट्स है ना, आगे कुछ है ना पीछे कुछ है ना ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ है. आप उन पॉइंट्स को पकड़ते हो, उनको रटना शुरू करते हो. देयर इज नो चेन एट ऑल इन योर माइंड. यू ट्राई टू क्रिएट अ परमानेंट, अ डिफरेंट, अ न्यू, अ अननोन सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस इन योर माइंड. कोई एसोसिएशन ही नहीं है, कोई चेन ही नहीं है. द मोमेंट यू लूज वन बिट ऑफ दैट रटाफिकेशन के पूरे चीज का ना, द एंटायर प्रोसेस फॉल्स. इसीलिए रटाफिकेशन डजंट हेल्प. कि जैसे ही आपने किसी चीज को रट्टा मारा, आपको लगा कि मेरे दिमाग में छप गया है. यार न तो उसकी कोई पिक्चर है, न वो किसी चीज से एसोसिएट किया, न आपने उसको कोई मीनिंग दिया. इट इज इम्पॉसिबल दैट यू विल बी एबल टू रिटेन इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अनलेस एंड अंटिल यू बैक इट अप विद द लॉ ऑफ रिवीजन. अगर रिवीजन को हटा दें, यू विल नेवर बी एबल टू रिटेन इट. नेवर. अंडरस्टैंडिंग इज द बेस्ट वे. और मैं अंडरस्टैंडिंग के अंदर एसोसिएशन और विजुअलाइजेशन को लेकर के आता हूं. Not just that understanding की, अच्छा हाँ इसका मीनिंग ये है. आईटी के अंदर जो सब्जेक्ट है उसकी चीजों का अगर मैं आपको कितना भी मीनिंग समझा दूं कि यार ये ऐसे ऐसे सर्किट्स है, ये है, वो है, कुछ मैं आपको समझा दूं, यू नॉट बी एबल टू गिव एक्चुअल मीनिंग टू इट. क्योंकि वो जो मीनिंग है ना, उसका ही मीनिंग आपको पता नहीं, क्योंकि वो तो आईटी के सेंस में, वो तो फाइनेंस के सेंस में है ही नहीं. इसीलिए आई यूज द लॉ ऑफ एसोसिएशन एंड विजुअलाइजेशन टू रिमेंबर द एंटायर बुक. कैसे? ये जो इस बुक के अंदर जो टॉपिक्स है, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके क्या वो एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस, और एग्जामिनर क्या चाहता है, यार मुझे पॉइंट दर पॉइंट आंसर देना. और वही हेडिंग लिखना जो बुक में लिखी हुई है, isn't it? इसमें बहुत ज्यादा है ये सारे सब्जेक्ट में. तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ही किया, दिनेश वेदांत सर की बुक को मैंने उठाया और वो पॉइंट 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 सिस्टम जो था ना, मैंने उस पॉइंट 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 सिस्टम को एज ए कीवर्ड पकड़ा और उन कीवर्ड्स को एक इमेज दे दी मैंने. इमेज कि इस कीवर्ड का मतलब है ये इमेज. फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड था अडैप्टिव, तो मैंने उसको अडैप्टर की इमेज दे दी. यू विल से सर कैसे कैसे काम चलेगा. फ्रेंड्स, द मोर रिडिकुलस एन इमेज द बेटर यू रिटेन इट. मैं क्या करूं, मैं तो सिर्फ लॉ को यूज करना चाहता था. आई वॉज रेडी टू डू वट एवर इट टेक्स. मुझे कोई कहने वाला था कि यार ये रास्ता, आई वॉज रेडी टू वॉक ऑन इट. इफ यू आर रेडी, गो फॉर इट. क्या करना है, कीवर्ड पकड़ना है, उसको एक इमेज देनी है, इसको इमेज देनी है, इस कीवर्ड को इमेज देनी है, और इन सारी इमेजेस को आपस में चेन की तरह जोड़ देना है लाइक अ स्टोरी. और उस स्टोरी की एक हेडिंग देनी है जो उस क्वेश्चन की हेडिंग हो. जैसे फीचर्स, मैं फीचर्स को अक्सर फेदर्स के साथ जोड़ देता था. जब भी कोई बोलता था फेदर्स तो मुझे फीचर्स याद आते थे और मैं उसके साथ उस सारी इमेजेस को जोड़ देता था. एंड द मोमेंट वो कीवर्ड मुझे हिट करता था, मुझे पूरी की पूरी चेन याद आ जाती थी. बिकॉज इट वॉज अ चेन एंड आई गिवन मीनिंग टू इट. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस लॉ ऑफ
रिटेंशन, इस तरीके से आप चीजों को रिटेन रखते हो. यू नीड टू ऑब्जर्व समथिंग, यू नीड टू एसोसिएट इट विद समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो, एंड देन यू नीड टू विजुअलाइज इट. द मोमेंट यू सी दैट पिक्चर, इट बिकम्स अ परमानेंट मेमोरी इंप्रेशन इन योर माइंड, और आप उसको फिर भूलते नहीं हो. दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट. फ्रेंड्स, विद दिस वी कम टू द एंड of these seven laws of clearing CA final. But before you actually think about getting up, I have a bonus for you. Would you be interested in the eighth law? Haan sir, late to kar hi diya hai, thoda aur kar do. Nahi? Sure. The eighth law. What is this eighth law? Paddy Upton, India's mental conditioning coach when India won the World Cup in 2011. Paddy Upton. Paddy Upton said, the team that wins the World Cup is not the team that doesn't panic. The team that wins the World Cup is not the one that doesn't panic. It's the one that panics the least. मैं कहता हूं सीए फाइनल में वो पास नहीं होते जो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करते, वो पास कर जाते हैं जो पैनिक कम से कम करते हैं. इफ पीपल लाइक सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर वाज अ पार्ट ऑफ दैट टीम दैट वन द वर्ल्ड कप फाइनल, राइट? इज दैट ट्रू? इफ पीपल लाइक सचिन तेंदुलकर नीड अ मेंटल कंडीशनिंग कोच टू गिव सम सॉर्ट ऑफ मेंटल कंडीशनिंग, आई थिंक ऑल ऑफ अस नीड सम सॉर्ट ऑफ मेंटल कंडीशनिंग. वी डोंट गेट दैट मेंटल कंडीशनिंग, डू वी? आई थिंक वी डोंट गेट इट. कहीं ना कहीं वो मिसिंग रह जाती है. प्रेशर, pressure. CA exams is all about pressure. Your ability to handle pressure will exactly define ki tum jeetoge ya nahi jeetoge. Pressure, bhayankar pressure, articleship ka pressure, padhne ka pressure, ghar walon ka pressure, pressure hi pressure. Ab sir, is pressure ko kaise jhelna hai? Dhoni ko jante ho yaar? Aise jante ho kya? Dhoni ko nahi jante? Do you know Mahendra Singh Dhoni? Do you really know Mahendra Singh Dhoni? Yes, यार अगर ये वीडियो देख लेगा ना तो वो शर्मा जाएगा कि यार इतने हल्के जोश के साथ लोग मुझे जानते हैं. इंडिया को वर्ल्ड कप दिलवाया मैंने यार. Do you really know Mahendra Singh Dhoni? Good. Mahendra Singh Dhoni actually taught us how to handle pressure. There are two ways in which you handle pressure. Number one, you embrace pressure. You embrace it. Take the bull by the thorn. पकड़ लो उसको. कितना प्रेशर है, आने दे, जेल जाऊंगा. This is one way. Another way, भाड़ में गया प्रेशर यार, मुझे सोचना ही नहीं प्रेशर के बारे में. आई वॉन्ट टू प्ले माई नेचुरल गेम. वॉट इज प्रेशर? मैं समझता ही नहीं प्रेशर होता क्या. दैट्स हिज स्टाइल, दैट्स हिज स्टाइल. अंडरस्टैंड दिस, ही इज डूइंग इट फॉर हिज करियर, यू डू इट फॉर योर करियर. इधर एम्ब्रेस प्रेशर, इग्नोर इट. दो तरीके हैं आपके पास, और प्रेशर तो विल इनवेरिएबली बी देयर इन योर लाइफ, और हमेशा रहेगा. वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके बाद भी रहेगा. द प्रेशर विल ऑलवेज बी देयर. द पॉइंट इज, हाउ वेल डू यू हैंडल दिस प्रेशर? दो तरीके, एम्ब्रेस इट, इग्नोर इट. सिर्फ दो तरीके हैं, अच्छे से समझ जाओ इस चीज को. एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि आप अपने माइंड को टफ कर सकते हो इस सीए फाइनल बैटल के लिए, मेंटल टफनेस. आप किस तरीके से अपने माइंड को तैयार कर सकते हो इस सीए फाइनल बैटल के लिए? मैं दो तरीके लगाता था, वो दो तरीके बताता हूं आपसे. पहला तरीका तो ये था कि लुक बियॉन्ड सीए फाइनल, लुक बियॉन्ड दिस सीए कोर्स, लुक बियॉन्ड योर एग्जाम्स, लुक बियॉन्ड दिस पीरियड इन विच यू आर स्टक राइट नाउ. इसके बियॉन्ड देखना शुरू करो. प्रॉब्लम वहां आती है जब हम जिस सर्कल में फंसे होते हैं उसी के बारे में सोचते रहते हैं. देन यू रिमूव अ पार्ट ऑफ दैट सर्कल. When you start thinking about things that are outside of that circle, then you start becoming a part of that circle. जो कि a part of that thing that is outside that circle. मैं क्या करता था जब मैं CA final में था, तो मैंने कम सोचा CA final के बारे में. मैं आंख बंद करके ये सोचता था, यार CA बन जाऊंगा, ऐसी जॉब होगी, ये गाड़ी चलाऊंगा, ये ऑफिस होगा, ये स्टेटस होगा. I used to look and see and feel beyond this circle. Look and see beyond it. इसके दूर देखना शुरू कर दो.
ये आपको हल्का लगना महसूस हो जाएगा कि यार इसके बाद भी तो मेरी जिंदगी है, यहीं थोड़ी फंसे रहना है मुझे. बट व्हेन यू डोंट सी इट, आप फंसे रहते हो वहीं पर. लुक बियॉन्ड सीए फाइनल. नंबर टू, प्रिपेयर फॉर रैंक. देयर इज अ सेइंग, एम फॉर स्टार्स, इवन इफ यू फॉल शॉर्ट यू विल लैंड ऑन मून. एम फॉर रैंक, गो फॉर इट. कितने नंबर आए हाईएस्ट किसी सब्जेक्ट में? जो सब्जेक्ट आपका सबसे खतरनाक, सबसे डल सब्जेक्ट लगता है ना आपको, जस्ट लाइक कॉस्टिंग और वो सिक्का मिक्का जो भी है, उस सब्जेक्ट को आप पकड़ लो, मेरी तरह उसकी रिकॉर्डिंग करो, रोज सुनो, डू योर हार्ड वर्क ऑन दैट सब्जेक्ट और निकालो उसका डेटा कि इसके अंदर हाईएस्ट मार्क्स आज तक किस बंदे के आए हैं. वो हाईएस्ट मार्क्स लगा लो अपने सामने, वो हाईएस्ट मार्क्स लगा लो अपने टेबल के सामने एंड टारगेट इट. दैट्स द वे टू विन इट. Aim for stars. Even if you fall short, you will land on moon. 75 number target करोगे, 60 तो आ ही जाएंगे. अगर पास होने के लिए तैयारी करोगे तो you can understand. पास की तैयारी नहीं करनी. Watch your emotions, friends. देखो एक चीज बताता हूं, emotions जो होते हैं ना, इसमें बहुत पावर होती है, बहुत पावर होती है emotions में. In fact, humans जो है ना, in fact, all forms of life, जो इमोशंस है ना, दैट इज द पावर. नाउ यू हैव लिमिटेड इमोशनल एनर्जी इन अ डे. अब आपको उसको गार्ड करना पड़ेगा, उसको वॉच करना पड़ेगा कि मैं सारी की सारी जो अपनी इमोशनल एनर्जी है उसको अपनी पढ़ाई, अपने एम, अपने टारगेट की तरफ फोकस कर रहा हूं या मैं डाइवर्ट कर रहा हूं चीजों को. डाइवर्ट मत होने दो. जब आप उसको डाइवर्ट करते हैं, एंड स्पेशली इस एज में, वो डाइवर्ट हो जाती है. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. उसको डाइवर्ट मत होने दो. एक छोटा सा किस्सा बताता हूं आपको. विवेकानंद के गुरु थे स्वामी रामकृष्ण. वेरी गुड. स्वामी विवेकानंद बचपन में एक बार चोट लग गई थी उनको और वो कुछ दिनों तक बेहोश रहे थे. और रामकृष्ण, जब वो विवेकानंद बड़े हुए और जब वो अपने काम में लगे, विवेकानंद ने मरने से पहले उनसे पूछा गया, तब उन्होंने एक बात कही थी. उन्होंने कही थी, अगर विवेकानंद बचपन में वो 3 दिन के लिए बेहोश ना हुआ होता ना, तो वो दुनिया उलट पुलट करके रख देता, उलट पुलट करके रख देता. Watch your energies. आपको अपनी energies को वॉच करना पड़ेगा, गार्ड करना पड़ेगा. You cannot afford to be ignorant. Cannot afford to. ये नहीं कि यार मैं emotions अपने यहां भी लगा दू, अपने emotions यहां भी लगा दू, अपने emotions यहां भी लगा दू और मैं CA भी बन जाऊं, successful भी बन जाऊं और पैसे वाला भी बन जाऊं. Not possible. Say, sun's rays do not burn until brought to focus. 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 And focus. Focus on one target जब तक कि आप उसको पा न लो. सर ये सारी की सारी लॉस कब तक फॉलो करनी पड़ेगी? तब तक फॉलो करो जब तक रिजल्ट्स ना मिल जाए. रिजल्ट्स ही चाहिए ना, जब तक रिजल्ट्स ना मिल जाए. ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डिफरेंट, यू नॉट द सेम. डू इट अंटिल यू गेट रिजल्ट्स. वॉट इफ द लास्ट टॉपिक ऑफ आर डिस्कशन टूडे, What if you fail? What if you don't clear? क्या होगा? क्या आसमान टूट पड़ेगा? बताओ मुझे. What exactly will happen if you don't pass? If you don't get that rank? If you don't become a chartered accountant in this attempt? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चलो 3-4 scenarios उठाते हैं. क्या करोगे CA बनके? पहले ये बताओ. CA बनके क्या करोगे? सर जॉब करूंगा. अच्छा जॉब करेगा तो यार अगर इस अटेम्प्ट में फेल हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? सर नौकरी नहीं मिलेगी. अच्छा इसका मतलब जिसने आई एम अ फेलियर. मैं CA फाइनल में फेल हो चुका हूं. मेरे ऑफिस में 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और उनमें से मोर देन 60% आर फेलियर्स. उन सबको जॉब मिल चुकी है. फ्रेंड्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट इन विच अटेम्प्ट यू क्लियर योर एग्जाम. एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट. इंटरव्यूअर्स आर स्मार्ट इनफ, दे नो इट कि CA कोर्स कितना टफ है. दे नो इट. और कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ उनको उठा करके ले जाए कि चलो साहब जिनकी रैंक आई है, चलो साहब उनको ले जाए जो कि पहले टर्म में पास हुए. सी इट्स अ वेरी लंबी दौड़. इन द लॉन्ग रन इट डजंट रियली मैटर विच अटेम्प्ट डिड यू क्लियर योर एग्जाम. व्हाट मैटर्स इज आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपकी नॉलेज कैसी है. दिस इज व्हाट रियली मैटर्स. यू हैव द डिग्री विद यू. अटेम्प्ट्स तो बहुत छोटी चीज है यार, उसके बारे में क्या सोचना. आराम से जॉब मिल जाएगी, आई गिव यू दैट गारंटी. बट प्रिपेयर योरसेल्फ वेल, नॉट जस्ट फॉर एग्जाम, फॉर लाइफ. व्हाट इफ आई फेल? दूसरा सिनेरियो,
सर मैं तो प्रैक्टिस में जाना चाहता था। अच्छा, जिसकी रैंक आती है उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की पावर एक फेल होने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर से पावर से ज्यादा है क्या? ज्यादा है क्या है? नहीं है ना? तो फिर क्या करना? क्या वो सर्टिफाई करेगा वो ज्यादा वैल्यू रखेगा और आप सर्टिफाई करोगे कम वैल्यू रखेंगे? डज इट रियली मैटर इफ यू गो इवन गो फॉर प्रैक्टिस? एब्सोल्युटली नॉट। इफ यू आर अ सीए, यू आर अ सीए, दैट्स द बॉटम लाइन। गॉट इट? What if you want to go for business? Yaar, how does it really matter ki aap pehle attempt mein gaye ya kisi aur attempt mein gaye? If you want to go for your business, you go to your business as a chartered accountant. That's it. Kya tension hai kaun se attempt mein pass hua? Pass to hua, CA to hu. What is the qualification of this MD, this CEO? He's a chartered accountant. That's what matters. It doesn't matter ki aap kaun se attempt mein pass hue ho. It doesn't matter ki aapke marks kitne aaye hain. It doesn't matter ki aapki rank. Bahut hi short term mein ye matter karta hai. In the long run it doesn't matter. Absolutely not. I was disheartened jab meri koi rank bank nahi aati thi CA ke course mein. Baad mein mujhe samajh aaya, yaar, it doesn't really matter. It doesn't really matter, friends. Become a chartered accountant. Become a chartered accountant. That's it. Aur kuch bhi sochne ki zarurat nahi hai. कब बनूंगा, कैसे बनूंगा, क्या अटेम्प्ट होगा, रैंक आएगी या नहीं आएगी, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, सब मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। वंस यू आर ए सीए, यू हैव दैट पावर, दैट रेस्पेक्ट, दैट रिकॉग्निशन, दैट फ्रीडम, दैट फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एवरीथिंग। बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और मैं कोई एंडोर्स नहीं कर रहा हूं इस प्रोफेशन को। दिस इज व्हाट आई ट्रूली फील एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। दिस इज व्हाट आई ट्रूली ट्रूली फील। हाउ इज इट? हाउ इज इट? नींद से जागो। विद दिस फ्रेंड्स वी कम टू द एंड ऑफ द सेवन लॉज ऑफ क्लियरिंग सीए एग्जाम सेमिनार। बट बिफोर यू गो आई वांट टू गिव एंड मेक अ स्मॉल प्रॉमिस टू यू। From my side, this relationship will not end. मेरा purpose सिर्फ आपको CA बनाना नहीं है। If you stay connected, I will make you successful in life. पता है, CA एक बहुत छोटी सी दीवार है जो उसको आपको cross करना है। उसके बाद असली जंग शुरू होती है जिंदगी की। Then you will strive to be successful. आज market में ऐसे CAs भी हैं जिनकी मतलब गजब, I mean, they go for their mumanga package and there are people, doesn't happen. क्या है वो डिफरेंस? आई कैन टेल यू दैट डिफरेंस। आर यू गोना स्टे कनेक्टेड? थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर कमिंग फॉर दिस सेमिनार। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।